गाइस वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। तो आज के मैथ के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रमिति। तो क्षेत्रमिति का पहला पार्ट शुरू कर रहे हैं और सगीर अहमद की बुक को पढ़ रहे हैं। तो आप लोग भी बना करके देखिए और हम अगर नहीं बने तो हमारे वीडियो को देखिए और अगर समझ में नहीं आए वीडियो के माध्यम से कमेंट करके रखिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन जाने से पहले कुछ सूत्र जरूरत है। सबसे पहले त्रिभुज के सूत्र का जरूरत है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? होता है पहला सूत्र हम लिखवा रहे हैं तो होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहां एस होता है अर्ध परिमाप और इसका सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं हैं। कब ये करना है? जब अलग अलग भुजा दिया हुआ रहे तभी ये करना है। और दूसरा, साथ ही साथ अगर समकोण त्रिभुज रहेगा तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल रहेगा 1/2 आधार गुने ऊंचाई। ये सूत्र लगा देना है, आधार गुने ऊंचाई। अगर तीसरा नंबर, अगर समबाहु त्रिभुज रहे तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा होगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर भुजा स्क्वायर। तो ये तीन सूत्र को पहले नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, मार्कर देना। तो ये तीन सूत्र फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद है जितना भी चीज हम बताएंगे अगर कॉपी में नोट कर लेंगे दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत नहीं होगा, यही सूत्र फिर दोबारा रिपीट होगा। हम सभी से विद्यार्थियों से यही कहना चाहते हैं कि आप कंटिन्यू वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए, एंजॉय करके पढ़िए और रिपीट करके पढ़िए मेरे वीडियो को देख करके, ठीक है। मिटा देते हैं। अब हम लेंगे पहला सवाल और सवाल के बाद हम सूत्र भी वहीं लिखते जाएंगे, जो सूत्र लगेगा हम सूत्र को भी वहां पे लिखते जाएंगे, ठीक है ना। तो सारा नोट करते जाइएगा। तो पहला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। देखिए 4 सेंटीमीटर मिट गया है, थोड़ा सा हम बता दिए, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो 3, 4, 5 एक चीज बता देते हैं, किसी भी समकोण त्रिभुज को कैसे पकड़ेंगे तो ये बहुत जरूरी है जानना। समकोण त्रिभुज में जानना होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर होना चाहिए या पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 3, 4, 5 का कॉम्बिनेशन याद रखना होगा। 3, 4, 5 5, 12, 13 उसके बाद 6, 8, 10, 7, 8, 15, 17, 7, 24, 25 ये सब जब भी कॉम्बिनेशन आएगा समझ जाइएगा वो त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज होगा और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम अभी बता चुके हैं। तो इसका आंसर कैसे बनाएंगे जी? अभी हम तुरंत बना देंगे तो हमारा हो जाएगा 1/2 आधार यानी 3×4 तो हमारा कट जाएगा, कितना हो जाएगा 6 वर्ग सेंटीमीटर। उम्मीद है पहला क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक समकोण त्रिभुज जिसका आधार 6 सेंटीमीटर और कर्ण 10 सेंटीमीटर। अभी बताया कि देखो 6, 8, 10 का कॉम्बिनेशन हमें अभी बताए थे कि नहीं? अगर पाला 6 है तो कर्ण 10 है तो इसका मतलब 8 तीसरी भुजा होगा ना। हाँ बोलो तो ना। तो इसलिए इस तरह का त्रिभुज क्षेत्रफल हम बताए दिए हैं 1/2 आधार गुने जो सबसे बड़ी भुजा वो कर्ण है, वो कर्ण को छोड़कर आधार और लंब होती है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब नहीं आया होगा तो फिर बोल रहे हैं थिंक विदाउट इंक। हाँ थिंक विदाउट इंक है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा जी? 2 से कट जाएगा, कितना? 24 वर्ग सेंटीमीटर है कि नहीं? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जल्दी बताओ, किसी बात भैया को दिक्कत नहीं है? चलो बताओ, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एकदम, 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जितना भी क्वेश्चन हम बताते हैं एकदम अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताते हैं। अगर जितने भी फिर से रोज बोलते हैं एक ही वीडियो में बार बार रिपीट करते हैं कि मेरे वीडियो को मैथ का जितना भी सेशन बनाए हैं अगर आप लोग देख लीजिएगा, समझ आइए आपका कल्याण हो जाएगा। आपको किसी और मैथ को देखने की जरूरत नहीं है, बाकी सेल्फ स्टडी करने की जरूरत है। तो चलिए हम लोग फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीन में बोलता है एक त्रिभुज का परिमाप। ध्यान दीजिएगा जी, एक त्रिभुज का परिमाप यानी ए प्लस बी प्लस सी कितना दे दिया? 30। उसका क्षेत्रफल दे दिया जी 1/2 और ए गुना बी कितना दे दिया जी? ए गुना बी कितना दे दिया बताओ? 30। यानी ए बी कितना दे दिया? 60। कोई दिक्कत है? और सबसे बड़ी भुजा दे दिया नुनू, सबसे बड़ी भुजा कितना दे दिया? सी दे दिया कितना? 13। तो हम बता चुके हैं जहां भी 13 दिख जाए कॉम्बिनेशन ही जाएगा। तो
तो कॉम्बिनेशन क्या होगा, ए होगा हमारा पांच, बी बी होगा हमारा बारह, क्या और सी दे ही दिया है तेरह। कॉम्बिनेशन देखिए तुरंत पकड़ में आ गया कि नहीं, देखिए तीनों मिलाकर तीस है कि नहीं, देखो तो दोनों मिला के ए बी देखो, ए और बी मिला के देखो साठ है कि नहीं, देखो तो फॉलो कर रहा है। इसका मतलब हम लोग तुरंत हम लोग क्या निकालना है जी, क्या निकालना क्वेश्चन सबसे छोटी बुझा, तो आंसर हो गया पांच सेकंड, क्लियर है, जल्दी बताओ। हम लोग मिनटों का काम क्या करेंगे, सेकंडों में हम लोग थिंक करेंगे, थिंक विदाउट, तुम लोग बोलते नहीं हो, भास्कर मैथमेटिक्स का डायलॉग है। देखो हम भी सब सर का मास्टर का चुरा लेते हैं, जो बढ़िया डायलॉग रहता है हमेशा चुराते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। एक त्रिभुज अभी जस्ट क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज की भुजा तीन सेंटीमीटर चार सेंटीमीटर पांच सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदु, ध्यान दो मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु द्वारा भी बनेगा तो ऑटोमेटिक है बराबर बराबर भागों में बांट देगा कि ना जी। आई देखो यहाँ पे है, तो इसका मतलब मध्य बिंदु, देखो इसका मध्य बिंदु यहाँ होगा, इसका मध्य बिंदु यहाँ होगा, इसका मध्य बिंदु यहाँ होगा, होगा कि नहीं। क्या भाग में बना त्रिभुज, चार भाग में, तो बड़का त्रिभुज पहले क्षेत्र में सब बराबर है, ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये, क्या दो है चार, तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक बटे दो तीन गुना चार, कितना निकलता था छह वर्ग सेंटीमीटर निकलता था कि नहीं, और इसी का क्या भाग कर देंगे, तो बोलता है मध्य बिंदु से बना, तो ऑटोमेटिक का मध्य बिंदु से बना त्रिभुज ये है, तो एक बटे कितना हो जाएगा चार भाग हो जाएगा, तो जाएगा तीन बटे दो सेंटीमीटर स्क्वायर, कैसा रहा जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, ठीक है ना सब, मजा आ रहा है एकदम। मध्य बिंदु से बना त्रिभुज क्षेत्रफल हमेशा बराबर बराबर भाग में बांटेगा, याद रखना इसे, ठीक है। अरे फिर वर्ग बल आएगा तो वर्ग का सोचेंगे ना पहले, अभी तो त्रिभुज तो सोचना है, जो आ रहा है उसको सोचो पहले, वर्तमान को सोचो, पास्ट में कैसे आते हो या फ्यूचर में कैसे जाते हो, हमेशा वर्तमान में जियो, ठीक है, जो है उसी से खुश रहो, जो नहीं है उसके लिए प्रयास करो, ठीक है, समझा, क्योंकि जिसके अंदर में है दम वही है, ठीक बोला। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर पांच। एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक त्रिभुज बनाया, इसने त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी जस्ट बताए थे ना, क्या जी एकदम आसान है कि नहीं, बोलता है एक त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदु, अभी त्रिभुज बना भी किए थे, तो बाबू अगर ये मध्य बिंदु द्वारा बनाया गया है त्रिभुज है, तो मध्य बिंदु द्वारा बना गया, मान लेते ये एक है, तो ये एक है, ये एक है, ये तो बोला है कि त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक त्रिभुज बनाकर इस नए त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो एक है नए त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज के शेष भाग का क्षेत्रफल, तो शेष भाग कितना होगा तीन, एक अनुपात तीन, कैसा रहा जल्दी बताओ ना, कैसा रहा जल्दी बताओ, कोई दिक्कत कोई परेशानी, चलो बहुत बढ़िया आगे जा रहे हो एकदम, बहुत बढ़िया, अभी ऊपर में बताए जस्ट उसी का फायदा उठा लिए, आगे बढ़े, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एक नंबर जा रहे हो, बहुत बढ़िया जा रहे हो एकदम। जितने भी स्टूडेंट हमारे स्टूडेंट जितने भी रोज रोज हम बोलेंगे, रोज रोज बोलते हैं कि बाबू कठिन परिश्रम के साथ स्मार्ट वर्क करो, समझे ना, वर्क हार्ड बट स्मार्ट तरीके से, समझे ना, एक किसान दिन भर काम करता है बट उसका फल बहुत कम मिलता है, मिलता है क्या नहीं जी, ए बोलो ना जी, सुबह से लेकर शाम तक, भोरे से लेकर रात तक लगले रहता है पाई बिचारा, ये काम कर रहा, पानी करवा रहा, तीर कर रहा, अभी पानी का दिन कितना हालत खराब हो जाता है किसान का, और उसका इनाम नहीं मिल पाता है, मिल पाता है सरकार की ओर से भी नहीं मिल पाता, बहुत ई कागज भरवाएगा, वो कागज भरवाएगा, ई करवाएगा, सरकार को डायरेक्ट जो उसका एक मीडिएटर होना चाहिए कि बाबू प्रत्यक्ष में प्रत्येक गांव का भ्रमण करना चाहिए, किसके यहाँ प्रॉब्लम है नहीं है उसको देखना चाहिए, लेकिन सरकार इस ओर कदम नहीं उठाती है, एक बिचौलिया रख देता है, जो किसान नहीं है उसको फायदा हो जाता है, जो किसान है उसको फायदा ही नहीं मिल पाता, मिल पाता है क्या, तो किसान का हालत बद से बदतर हो जाता है, और फिर और जो कमा रहा है जिसके यहाँ बहुत दिक्कत नहीं है उसको मिल रहा पैसा, और राजू है किसान, हम है किसान, हम दोनों को बेचारा बड़े किसान, और है सूरज है किसान नहीं, अब सूरज को मिल रहा पैसा, क्या जी कैसा लगेगा बताओ, अच्छा लगेगा सूरज को, अच्छा लगेगा। चलो तो हम लोग क्वेश्चन को ध्यान देते हैं, छह नंबर, त्रिभुज की भुजा किस रेशियो में है जी, बाबू पांच चार और तीन के रेशियो में, जहाँ तीन चार पांच दिखे बाबू समकोण त्रिभुज है, सोचना ही नहीं मत, ठीक है, दूसरा सोचना भी मत, तीन चार पांच दिखे रेशियो समझ आओ वो समकोण त्रिभुज है,
अब आगे बोलता त्रिभुज का परिमाप, नुनू परिमाप जब 5, 4, 9, 9, 3, 12 ए 12 बराबर अगर 24 है तो बताओ एक बराबर कितना 2, तो ऑटोमेटिक ये 10 है, ये 8 है, ये कोई दिक्कत है जल्दी बताओ। तो बोलता त्रिभुज क्षेत्रफल बाबू इसको छोड़, बड़का भुजा छोड़ दो और 1/2 8 × 6 कितना हो जाएगा नुनू 24 वर्ग सेंटीमीटर। कैसा रहा बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से, ठीक है ना, परेशानी है क्या? अरे मुंह देखते ही फटाफट एकदम हल्ला नहीं करना है, वीडियो बन रहा है ना, तो मेहनत एकदम दिन रात कर देना है, एकदम लगे रहना है, एकदम पढ़ाई पर एकदम फोकस कर देना है, ऐसा करेंगे पढ़ाई कभी ना हो धुलाई, कर देंगे इतना मेहनत हम हो जाएंगे सुपर, और सुपर से भी बन जाएंगे ऊपर, हाँ झकास बन जाएंगे खास, क्या सूरज बाबा? चलो आगे बढ़ते हैं इसी बात पर, चलो 3, 4, 5 फिर दिख गया कि ना जी, हाँ 3, 4, 5 आप दिख गया नुनू, अब कुछ नहीं क्वेश्चन के अंदर में, तो 3, 4, 5 जैसे ही पूछ दिया बाबू तो हमारा त्रिभुज 1/3 × 4x बराबर कितना जी 216, क्योंकि बताया था बड़का वाला छोड़ देना, पांच वाला नहीं ले सकते हम, तो बाबू 3 से यह 3 कट गया ना, 4 से ही कट जाएगा, 4 × 3 = 4, 5 = 20 और 4 × 16 ना जी, है ऐसा आ गया क्या, ये तो गड़बड़ आ गया, कहीं गड़बड़ हुआ, 1/2 होता है ना जी, हाँ वही तो बोले कहा, तो 2 × 2 = 9 और 6 से कट जाएगा, 6 × 3 = 36 ना जी, ये खत्म, ये खत्म, तो एक्स बराबर कितना आ गया 6, तो क्वेश्चन में क्या पूछा क्वेश्चन त्रिभुज का परिमाप, तो परिमाप बता सभी हो जाएगा, 3, 4, 5, 5, 5, 12 निकालना है ना जो 12x, तो 6 × 12 कितना हो जाएगा 72, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एक नंबर, ठीक है परिमाप डायरेक्ट निकाल, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं होगी। चलो आगे बढ़ते तुरंत क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं, क्या क्वेश्चन बोला जी, किसी समकोण त्रिभुज का परिमाप उसकी सबसे छोटी भुजा का 6 गुना, उसका परिमाप उसकी सबसे छोटी भुजा का 6 गुना है, परिमाप का मतलब हो गया a+b+c, हम मान लेते हैं एक सबसे छोटा है जी, मान लेते हैं तो ये परिमाप हो गया उसकी सबसे छोटी भुजा का, सबसे छोटी भुजा का कितना है 6, तो क्या आगे आगे कुछ कुछ बोला क्या, भुजाओं का अनुपात क्या होगा, समकोण त्रिभुज है, लेकिन समकोण त्रिभुज बाबू, हाँ सर 5 बार समकोण त्रिभुज है, तो इसका मतलब ऊपर ले जाओ, b+c कितना हो गया नुनू, b+c हो गया 5a, कोई दिक्कत, और हम लोग जानते हैं ना जी a² + b² = c², ये भी हम लोग जानते हैं, बढ़िया बात। तो चलो हम लोग पुट करते हैं एक क्या हो जाएगा बताओ, क्या होगा बताओ जल्दी, कुछ तो बताओ, कुछ नहीं बताओगे, कुछ बताओगे कि नहीं बताओगे, बोलो बोलो जल्दी से, स्पीड में दरवाजा खोलो, तो क्या करना है जल्दी बोलो तुम लोग, क्या करेंगे सॉल्व करें, इतना लंबा इतना लंबा सॉल्व करें बताओ जी, बी और सी के टर्म में आ जाएगा ना जी, चलो हम लोग लेते हैं आगे बढ़ते हैं, इसको इस पर यहीं इसको प्लस भी मिटा दे रहे हैं, तो ए बराबर कितना हो जाएगा बताओ, ए बराबर हो जाएगा b/5 / c/5 ना जी, क्या पूरे ले लो ना, ये होगा b+c/2 दोनों तरफ कर दो, कैसा होगा a² = क्या हो जाएगा जी, तो जाएगा b² + c² और +2bc और 25, और हम लोग जानते हैं उधर से एक समकोण त्रिभुज से a² = होता है a² + b² = c², बैठा दो a² का मान बैठा दो, तो b² + c² + 2bc, अरे बाप रे बाप रे बाप, बहुत खटानी है जी, ऑप्शन से करें, ऑप्शन से अच्छा ऑप्शन से फुट करते हैं पहले, इसको देख लेते हैं बार, और बटे 25 बराबर नहीं यहाँ पे और भी है
प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, तो बाबू हो जाएगा 25 और एक 26 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 बी सी बराबर 25 सी। यानी बाप रे इसमें बहुत दिक्कत है जी, बहुत दिक्कत है, ठीक है बहुत दिक्कत है, इस तरह सोचेंगे तो बहुत दिक्कत है। हम ऑप्शन से लेते हैं, ठीक है भुजांक अनुपात पहला हम ऑप्शन लेते हैं, ऑप्शन नंबर एक लेते हैं, 5 3 और एक ले लेते हैं। तो बोलता है ए उसका परिमाण, तो परिमाण पहला हो गया 5x हो गया, ये 3x हो गया और ये x हो गया, तो तीनों भुजा का जो परिमाप होता है तो देखो तो 5 3 8 1 9x और छोटी भुजा का 6 गुना, तो ये तो कभी ना हो पाएगा, सवाल ही नहीं उठता। पहला हो गया खत्म, ठीक है दूसरा आते हैं 7 6 1 ये होगा क्या, ये भी नहीं होगा खत्म, ये भी खत्म। तीसरा आते हैं 11 10 4 11 10 21 4 25 और उधर हो गया 4 6 20 नहीं होगा। चौथा नंबर में आते हैं 13 12 5 अरे 13 12 हो गया 25 13 12 हो गया 25 और 5 30 और इसका 6 गुना 5 गुना 6 अरे यही होगा आंसर, ठीक है। तो हम लोग जब देखे कि लंबा चौड़ा बन रहा है तो हम उसको हम लोग क्या कर दिए, छोटा में कर दिए ऑप्शन से, कोई दिक्कत नहीं परेशानी उम्मीद है फालतू में हुआ कि नहीं। आप लोग कमेंट करके बताइए इसको कैसे इजी में बना सकते हैं, ठीक है आप लोग बताइएगा कमेंट कर, मिटा दें चलो बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है देखो तो क्या बोल रहा है जी, किसी त्रिभुज के आधार 2 गुना ऊंचाई आधी कर दी जाए तो परिवर्तन से पूर्व और बाद के क्षेत्रफल का अनुपात, बाबू पहले आधार हमेशा वही होता है 1/2 पहले a गुना b है पहले, ठीक पहले देखो यहाँ पे पहले परिवर्तन से पूर्व वाला, परिवर्तन से पूर्व बाद के क्षेत्रफल, बाद के क्षेत्रफल में क्या बोला 1/2 और आधार में क्या परिवर्तन किया जी, आधार कर दिया 2 गुना और ऊंचाई क्या कर दिया आधा, कोई परिवर्तन नहीं होगा जी, ठीक है गया मामागर 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 वही हो गया 1:1 हो गया, कोई दिक्कत है बताओ जी। कैसा क्वेश्चन था, कैसा जा रहा है, फेर कर रहे हो सब बढ़िया से एकदम, फेर करते हुए जाना बाबू, 3 किताब से हम लोग कर रहे हैं, पहला हम लोग खत्म कर दिया RS अग्रवाल, दूसरा SD यादव, तीसरा सगीर अहमद, चौथा महेश मिश्र भी खत्म कर देंगे, सब चीज सही रहा तो ठीक है, सब चीज सही रहा सब टाइम पे चला तो ठीक है, और यहाँ सरकार तो टाइम पे चलिए रहा सर, तो ये एग्जाम तो समय पे चल ही नहीं पाता है, निकलता वैकेंसी उसके 1 साल 2 साल बाद लगता है कि नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, ठीक है क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं, तो बोलता है किसी समाहु त्रिभुज के भुजा, अरे अभी तो बता चुके हैं समाहु त्रिभुज से पहले क्या आता है जी, √3/4 × a² बैठा दो खाली √3/4 और बैठाने सबको आता ही है, a का मान कितना हो गया 4√3² तो हो गया √3/4 × 4√3 4√3 है कि नहीं, कटेगा 4 से ना तो हो गया 3 हो गया 3 × 4 = 12√3 कैसा रहा जल्दी बताओ, कोई दिक्कत है इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर होगा ना एक होगा 2 नंबर आंसर होगा 2 नंबर ठीक है 24/√3 वाला होगा, कहे कि वो ऐसे ही रख दिया था √3 ने मतलब कटाया था, चूंकि 24/√3 का मतलब हो गया √3 नहीं होगा 8√3 है ऑप्शन में नहीं, तो ये बी नंबर नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा, देख लो होगा ये क्या नंबर 10 नंबर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, चले आगे बढ़े आगे बढ़े नुनू। 11 नंबर में क्या बोल रहा है, त्रिभुज के शीर्ष एक समाहु त्रिभुज शीर्ष का मान कितना है √6 इसका मीनिंग क्या भुजा है, हाँ तो देखो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा √3/4 √6 × √6 तो हो गया आपका √3/4 × 6 2 × 4 = 2 √3/2 है कोई ऑप्शन में, इसमें भी नन हो गया क्या जी, कैसा दे रहा है इसमें 2 √3
अच्छा शीर्ष का मान मतलब ऊंचाई वाला दे दिया है, ठीक है, ऐसा बोल रहा है मतलब शीर्ष इस तरह से, ठीक है, ये वाला दे दिया रूट सिक्स, तो रूट थ्री बाय टू इंटू ए बराबर रूट सिक्स, ए बराबर कितना होगी, ये रूट थ्री रूट का यानी टू रूट टू, इसीलिए रूट थ्री बाय फोर इंटू टू रूट टू इंटू टू रूट टू, ये गया मामा घर, ठीक है, तो टू रूट थ्री बहुत बढ़िया है, ठीक है, पहले बोलना था ना इतना जूटो खटवा दिया तुमको, जान रहा था, शीर्ष का मतलब होता है यहाँ पे ऊंचाई, ठीक है, और ऊंचाई हम सूत्र लिखाना भूल गए, तो ऊंचाई बराबर सूत लेंगे बोलते हैं ऊंचाई एच बराबर रूट थ्री बाई टू इंटू ए सूत्र हो गया, ठीक है, हम भी बोल रहे हैं सूत्र लो तो चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन, समाह त्रिभुज का परिमाप भी सूत्र लिख लो, ठीक है, समाह त्रिभुज का परिमाप होता है थ्री ए, ठीक है, हाँ मीडियम में माध्यिका का भी वही ऊंचाई है, ठीक है, ठीक है, माध्यिका ऊंचाई दोनों सेम ही होगा, ठीक है, आगे बढ़ाया तो सूत्र बना फटाफट आगे बढ़ते हैं, तो बोलता है समाहु त्रिभुज क्षेत्रफल कितना दे दिया जी, आराम से नहीं निकाल पाओगे, अरे रूट थ्री बाय फोर इंटू ए स्क्वायर दे दिया, कितना 400 रूट थ्री दिया है ना, हाँ ये गया ना ये, हाँ तो ए बराबर कितना 20 गुना दो यानी 40, बोलो तो परिमाप कितना हो जाएगा, थ्री ए कर दोगे 40 की 120, ठीक है, परिमाप कितना हो जाएगा 3 गुने 40, ठीक है, यानी थ्री ए कर देंगे 3 गुने 120, क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं एकदम, चौदह नौ सोलह बना सकते हो आराम से, बना लोगे घर में बना लेना, एच डब्ल्यू रहा 15 नंबर, 14 नंबर एच डब्ल्यू रहा एकदम उसी तरह का है, भुजा निकालना है सिर्फ, ठीक है ना, 15 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी आज हम लोग वहां पे बात भी किए थे इसका, राजू क्या सूत्र का पहले भुजा बराबर है 2 बाय रूट 3 पी 1 प्लस पी 2 प्लस पी 3, ये सूत्र लिख लो समाहु त्रिभुज में ये होता है, ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा 2 बाय रूट 3 हो जाएगा, और पी 1 का मान है रूट 3 प्लस 1 रूट 3 2 रूट 3 3 रूट 3 और 5 8 रूट 3 ना जी, 8 रूट डायरेक्ट लिख दिए, खत्म हो गया, कितना निकल गया 16, परिमाप कितना हो जाएगा 3 ए 3 गुने 16 कितना हो जाएगा 48, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है जल्दी बताओ, कोई दिक्कत परेशानी है जल्दी बताओ, चलो सूत्र भी बता दे रहे हैं तुरंत तुरंत, ये सूत्र अगर लिखते जाओ एकदम, ठीक है बम्बा, अगली बार ये मौका न देना फिर शिकायत का, निर्मल इधर मौका न देना शिकायत का, सूत्र याद करते जाओ एक जगह लिखते जाओ, ठीक है, शिकायत मत दो, है कि नहीं, एकदम सूत्र एकदम कंठस्थ करके रखो, है क्या ना, है सूत्र एकदम याद कर लेगी कि नहीं, कर लेगी सगुन, चलो आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग सोल्व, अरे बाप रे अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल का मतलब क्या, पहले अंत त्रिज्या निकाल लेंगे, तो अंत त्रिज्या का सूत्र जानते हो कि नहीं, समाहु त्रिभुज का अंत त्रिज्या मतलब हो गया छोटकार मतलब ए बाय टू रूट थ्री, क्या परित्रिज्या भी लिखे रहे तो क्या उतना 10 बार बात करेगा कि नहीं, परित्रिज्या बराबर बड़का आर मतलब ए बाय रूट थ्री, बस बैठा दो इसमें कुछ हो नहीं है, तो बोलता अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल बाबू, तो अंतर्त्रिज्या छोटका आर निकाल लेते कितना 42 बटे टू रूट थ्री, दो से कट जाएगा केस आकेश बटे रूट थ्री, तो बोलता अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर निकालना, तो 22/7 अकेश बटे रूट थ्री, अकेश बटे रूट थ्री, रूट थ्री रूट थ्री से 7 बार में कटाइए गया, अकेश गुना 42 4/62, कोई दिक्कत है जल्दी बताओ, कैसा चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है ना, अब इस समकोण त्रिभुज का अंतर त्रिज्या जानते हो पहले, हाँ नहीं नहीं क्या सूत्र होता है समकोण त्रिभुज में लिखो, तुम लोग के पन्ने समकोण त्रिभुज में कोई भी त्रिभुज में अगर होगा तो आर बराबर होता है त्रिभुज बटे ए, सॉरी ठीक है, तो त्रिभुज वाला क्षेत्रफल हो गया, तो 5 12 13 का नहीं जानते हो क्या, 17 नंबर बना रहे, ठीक है,
सूत्र लिख लो बाबू, ठीक है। समकोण त्रिभुज में क्या सब त्रिभुज में मोटामोटी ये बता। तो त्रिभुज का मतलब पांच अटे पांच और बारह तेरह का क्षेत्रफल निकलता है तीस, पता है ना। और परिमाप और इसका परिमाप बता, परिमाप बता तीस तो आधा कर देना होगा, तो पंद्रह दो सेंटीमीटर निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसीलिए पाई आर स्क्वायर ना जी, पाई का मतलब पाए आर गुने दो का स्क्वायर, चार पाई आंसर। बताओ जी कैसा रहा, ठीक रहा ना, ठीक सीख रहे हो। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जा रहे। चलो अठारह में तुम लोग बनाता हूँ, बना लेट नहीं करो, कम टाइम में एकदम ज्यादा ऐसा बना देना है ताकि धमाका लगे देखने में कि हाँ बेजोड़ बनाया वीडियो। हाँ गली मोहल्ला तुम्हारा होगा, धमाका हमारा होगा। चलो वो देखते हैं किसके अंदर में क्या है। जय श्री हाँ, वाह राजू वाह, राजू है राजू, राजू बन गया जेंटलमैन। एक तीर समाह की प्रत्येक भुजा उस वृत्त की त्रिज्या के बराबर है जिसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बाबू जहाँ 154 तो आर हमेशा निकलेगा 7 सेंटीमीटर का। और आर जब 7 सेंटीमीटर था तो वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजा भी है, यानी ए बराबर भी कितना 7। तो क्षेत्रफल नहीं जानते हो क्या, रूट 3 बाय 4 इंटू 7 का स्क्वायर, यानी 49 रूट 3 बाय 4 एकदम राजू एक नंबर बताया। गजब 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 राजू गजब, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, चलो 20 मिनट पे ध्यान रखो, दोगे दोगे चलो तो दे दो तो थोड़ा ध्यान, क्या पता कब मिल जाए भगवान है। जब करोगे ध्यान मिल जाएंगे भगवान, थोड़ा सा दे दो ध्यान अगला बार भगवान। क्या संबंध आज है, सीख रही है कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं बाबू, हमारा नेक्स्ट टारगेट है एक आयताकार के, अब आयत में आ गए ना जी। आयत का मतलब हो गया देखो बाबू चित्रमा ऐसा होगा, ये देखो ये एल ये बी और ये एच, तुम्हारा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट अंडर, ठीक है। तो बाबू सबसे पहले क्षेत्रफल एरिया होता है जी, एरिया मतलब एल गुने बी, और परिमाप हम परिमाप को पेरीमीटर बोलेंगे तो होगा 2 इंटू एल प्लस बी, सूत्र देखो बताते रहे ना। और विकर्ण को डी बोलते डायगोनल विकर्ण, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बस आप खेल का तो बोलता। आयताकार मैदान की एक भुजा कितना है 4 मीटर, आज का विकर्ण है नुनवा की भी एक तरह से वही चलता है, अगर ये 4 है और ये 3 है तो ऑटोमेटिक ये 5 होगा, ठीक है। तो दे दिया एक भुजा 4, दूसरा ऑटोमेटिक 5 दिया है बाबू, होता है 20 नंबर अभी हम लोग अच्छा आप ले किसे नंबर, ठीक है। तो एक 4 दूसरा 5 विकर्ण दे दिया तो ऑटोमेटिक ये कितना निकलेगा, तो क्वेश्चन हम क्या पूछा क्षेत्रफल 3 चौके 12। क्या कोई दिक्कत है आकेश में, कोई दिक्कत है। 20 देखते हैं, एक आयताकार खेत की चौड़ाई उसकी लंबाई का 2/3 है बाबू, लंबैया है मिटा देते हैं, लंबैया है 3x और चौड़ैया ऑटोमेटिक 2x, ठीक है। परिमिति भी दे दिया है जी, यानी 2 × 3 = 5x बराबर कितना 160, 2 × 80 x से 16। क्या क्वेश्चन पूछा जी, उसका क्षेत्रफल क्या है 3x × 2x क्षेत्रफल हो गया ना, तो 3 × 2 × 16 ×16 तो हो गया 256 और 256 कर दो कितना होगा बोलो, 256 × 6 = 1536 पक्का ना, मान लिया तुम्हारा। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो जल्दी बढ़ो। कितना मिनट हुआ जी 29, तो बस इसी में रखो बस। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और पढ़ते रहिए लिखते रहे होशियार बनिए और ठान लीजिए कुछ करने।
चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आगे क्या है जी, 22 नंबर में क्या दिख रहा है? एक कमरे का 4 और 2 मीटर चौड़ा बरामदा है जी। एक कमरा है ठीक है, ऐसा कमरा है बोलते हैं, ऐसा कमरा है ठीक है, और कमरे के 4 और 2 मीटर चौड़ा बरामदा है जी, 4 और ठीक है। आप बोलता है यदि कमरे की लंबाई कितना है? 7.5। बाबू ये कितना है? 7.5। अरे कितना है? 6। क्लियर है? तो 2 इधर बढ़ेगा बाबू, 2 इधर बढ़ेगा, कितना हो जाएगा? 11.5 हो जाएगा कि नहीं? इधर 2 बढ़ेगा, इधर बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा। आप बोलता बरामदा का क्षेत्र, तो बड़का में अगर छोटका घटा दे ई वाला तो यह निकलेगा कि नहीं? तो 11.5 × 10 घटा 7.5 × 6, कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो क्या हो जाएगा बाबू तुरंत? अब हम लोग यहाँ पे कटा देंगे, कटेगा कटा देंगे, कटा देंगे क्या? ये गया ठीक है, ये गया तो हो जाएगा यहाँ पे 115, ये वाला हो गया माइनस, ये वाला गया 5 से 15 5 × 10 2 से 3 कितना हो गया? 45। कितना हो जाएगा जी? 70 हो जाएगा पक्का? तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुआ होगा उम्मीद करते हैं। अभी जितना भी बता रहे हैं सारा चीज ठीक कर रहे हैं, और वीडियो भी लगभग एकदम सारा जो बनाते हैं कंप्लीट करते हुए जाना है। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का भी वीडियो डाल दिया गया है यूट्यूब पे, तो आप लोग देखते जाए। हम लोग सगीर अहमद खत्म कर दिए, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस एनजी ज्यादा भी खत्म कर दिए, साथ ही साथ आपका वो क्या बोलते हैं आर एस अग्रवाल, तीनों का हम लोग वीडियो बना दिए प्रॉपर ठीक है। तो देखते जाए, पढ़ते जाए, सीखते जाए ठीक है, सब चीज ठीक हो जाएगा। आगे हमारा बोल रहा है 23 नंबर में 7 मीटर मिटाते हैं ये वाला, 7 मीटर लंबे और 5.6 मीटर चौड़े कमरे के चारों तरफ, क्या तुम लोग नहीं निकाल पाओगे ये वाला उसी तरह का है? फिर देखो 7 मीटर लंबे, 7 ये है और तुम्हारा 5.6 मीटर चौड़े, देखो ये 5.6 मीटर चौड़े और उसके कमरे के चारों तरफ 3 सेंटीमीटर जगह को छोड़कर कालीन बिछने का क्षेत्रफल पूछ रहा है ठीक है। छोटे कमरे में एक कमरे के अंदर में पूछ रहा है ना जी, कितना का छोड़कर जी? 30 सेंटीमीटर मतलब हाफ ना जी, 0.3 ना, 30 सेंटीमीटर मतलब 30 × 100 यानी कितना? 0.3 मीटर हो गया। तो बाबू 0.3 इधर भी गया, 0.3 इधर भी गया, कितना हुआ? कितना हुआ लंबाई हो गया? 6.4 ना, 6.4 इधर भी हो गया तुम्हारा, इधर भी बचा कितना? इधर हो गया 5 बच गया। 3 जाएगा ना सबको, इसके बाद 5.3 होगा ना, पूरे को सेंटीमीटर, पूरे सेंटीमीटर क्या बदलेंगे बाबू? मीटर में सब दिया है, इसलिए अभी एक दिया है सर, 30 जो बढ़ाया उसको तो 0.3 करिए। तो इसका मतलब हो गया 7 × 5.6 और घटा कितना हो जाएगा? घटा कितना जी? 6.4 × 5 पॉइंट जाएगा कुछ 39.2। अब ये कितना? 32। रुको क्वेश्चन में क्या पूछा है? इतना एक कमरे में चारों तरफ की जगह को छोड़कर, इस जगह को छोड़कर के जी, इस जगह को छोड़कर के पूछ रहा है, 32 से होगा, इस जगह को छोड़कर के ये पूछा है, तो इतना करने की जरूरत है जी? 6.4 × 8 सीधे 32 ठीक है, ध्यान में दिए थे हम निकाले थे वो वाला, दिक्कत है क्या? बोला तो का उस इस जगह को छोड़ करके वो कितना जगह लेगा? क्लियर है बहुत? बोलो सही है एकदम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोला 24 नंबर कि एक आयताकार खेत का परिमाप दे दिया, देखो हम लंबाई चौड़ाई से परिमाप आराम से भुजा सब निकाल लेंगे। तो बाबू एगो है 5 एगो है 3
तो परिमाप कितना दे दिया 480, तो 5 3 कितना आ गए 8 8 2 इंटू एल प्लस बी होता है ना परिमाप, बराबर कितना दे दिया 400, तो 5 एल प्लस बी हो गया 8 8 ना 16 बराबर 400, एक बराबर तो बाबू ई हो जाएगा 80 और ई हो जाएगा 90 ना, ये हो जाएगा 150, बनाना 135। कोई दिक्कत, ये कौन सी हो गया ए, ये कौन सी माय, हाँ 13,500 वर्ग मीटर। क्लियर है, बोलो क्लियर है ना, क्लियर है, कह सकते हो क्लियर है एकदम पक्का। एकदम क्लियर क्लियर सीखो, एकदम एग्जाम में जाओ तो तहलका मचा दो, घर दौड़ा तो एकदम पूरा एकदम समझे कि नहीं, एकदम एग्जाम दो उसी तरह एकदम धमाकेदार, कोई भी चीज में कमी मत करो, जो भी चीज है एकदम ईमानदारी पूर्वक सीखो, जो भी चीज बताते हैं ईमानदारी पूर्वक सीखो, सब चीज ठीक हो जाएगा, ठीक है, जितना भी चीज सीखो एकदम ईमानदारी पूर्वक से सीखो, एकदम सब चीज ठीक रहेगा, सब सही रहेगा। सब सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्या बोल रहा है, एक आयताकार मैदान में क्या बोला जी, कितना है आयताकार भूखंड की लंबाई, कितना है लंबाई चौड़ाई में कितना का रेशियो है, 5:3 का रेशियो है, ठीक, लंबाई चौड़ाई से कितना मीटर अधिक है 2 मीटर अधिक है, यहाँ लेकिन 16 बोल रहे हैं, एक बराबर कितना हो गया 8, तो 8 5 40, 8 3 24, क्या पूछा है क्षेत्रफल, गुना कर दो 907, क्या कैसा रहा, सब सही जा रहा है एकदम, नॉलेज बढ़ रहा है एकदम, चलो इसी बात पर जल्दी से तुम लोग 27 बना के दिखाओ, चलो सब हम ही बना देते हैं क्या, ठीक है सब बना देंगे क्या, बताओ तो बना लो, 27 नंबर होमवर्क रह गया क्या, ठीक है ना, 27 नंबर होमवर्क दे देंगे तो कोई दिक्कत है ना। 28 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले भी आ चुका है इसका जरूरत, हम लोग 30 होगा शायद ना जी, अरे 28 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे कि नहीं, SSC का क्वेश्चन है, आयताकार मैदान के अनुदिश देखो यहाँ पे ऐसा गया, 52 प्रति मिनट गया, ठीक है ठीक, आपको 15 कितना सेकंड में पार कर लेता, देखो 52 मीटर आई मिनट में, 1 मिनट में ना जी, तो 15 सेकंड में कितना जाएगा 13 मीटर जाएगा, ये 13 जब हो गया तो 4 कर तो ये 5 होगा, सॉरी 12 होगा, ये 5 होगा, उतना बनाने की जरूरत नहीं, क्लियर हो गया, बाकी बनाने की जरूरत नहीं, उधर आगे करेगा, ठीक है ठीक है, दोनों मिला के 17 आएगा, देखो ना 68 है ना जी दिया हुआ, 68/60 गुने कितना है ये मिनट में, अभी 15 चौका 17 आएगा, कि दोनों मिला के 17 आएगा, तो 17 एल प्लस बी आ रहा है तो सब 12 5 होगा इसका, ठीक है क्लियर है, अब 17 फिर आराम से निकाल सकता है, एल गुने बी 12 गुने 60 आंसर, क्लियर है, बोलो क्लियर है, राजू क्लियर है, बम बम हिरमल क्लियर है, बोलो अगर क्लियर नहीं है तो फिर से बोलो सर, तो इसका सब सही कर देंगे सर, कहाँ दिया है सर, हाँ तो ये बी खेत के उसकी भुजाओं के अनुदिश 68 मीटर प्रति मिनट की चाल चला, तो मतलब इसका दिया का है, अरे भुजा का अनुदिश का मतलब हुआ ये, और ये भुजा का अनुदिश हो गया, ये भुजा का अनुदिश यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक गया तो 17 हो गया, देखो यहाँ निकाले, और विकर्ण के अनुदिश गया तो 13 ये हुआ, तो ये 13 है तो ये 5 12 13 नहीं होगा, सिंपल सी चीज है, बनाने की ज्यादा जरूरत ही नहीं था, लेकिन वो भी करेगा सेट करके, ठीक क्लियर है, बोलो अब
चलो आगे बढ़ो, बना लेना एक बार इधर, ठीक है। परस्पर समकोण पर काटती हुई 2 मीटर चौड़ी दो सड़कें एक आयताकार पार जिसका कितना कितना से गुजरती है, आयत की एक भुजा के समानांतर है बाबू। पार्क का शेष भाग देखो, आयताकार पहले पार्क है, कितना कितना है, 72 और 48। अब बोलता है आयताकार परस्पर समकोण पर काटती हुई, बाबू समकोण पर काटती हुई ऐसा काट, ऐसा काटा, ऐसा काटा, अरे प्रत्येक सड़क का आयत की भुजा के समानांतर है। देखो पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल बाबू, मतलब इस सब को हटा दो, एकर 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 क्षेत्रफल क्या, तो बाबू पहले इसका तो पता लगा नहीं बोले, तो बाबू ई हो गया 2 और ये पूरे लंबैया कितना हो गया, इधर वाला देख लो इधर होगा 48, ये वाला हो गया 2, ठीक है, और ये वाला घटाना पड़ेगा 2 बार आ रहा पड़ रहा है कि नहीं, ये 2 ये 2 ये 2 ये 2, ठीक है। तो सबसे पहले बड़का हो गया 72 गुना 48, घटा कर देंगे 2 गुना, जोड़ कर देंगे पहले 2 गुना 2, इधर जुड़ जाएगा 2 बार है ना, घटा 72 गुना 2 और घटा 48 गुना 2, अब 2 2 तो सब में है लगता है ना जी, कॉमन कटेगा 2 कॉमन ले लिए, 4 कॉमन ले लो, 4 सब में है क्या, 4 कॉमन ले लो सबसे पहले, 4 कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा 72 गुना 12 चौका, यहाँ 4 ले लिए ना, माइनस 4 कॉमन लिए तो यहाँ पे 18 36 माइनस 18 12 चौका 4 और यहाँ 12 चौका 8, तो कितना हो गया नुनु, 32 16 हो गया, 4 गुना ये हो गया 12 दुना 24 2 584 86 प्लस 1 माइनस 37 8 कितना हो गया 865 में 44 गया 1 कर लो गुना 32 16 पक्का 44 पहले घटाते हैं 820 819 8 चौका 32 76 821 होगा सर, और जोड़ना है ना 832 16 आएगा सर, कितना घटा गया है बाबू, जोड़ हटा ठीक कर लो, ठीक है। कहीं लगता गड़बड़ हो गया, फिर से करते हैं, ठीक है फिर से करते हैं। सबसे पहले ध्यान दो, सबसे पहले हम लोग 72 गुने 48 करेंगे, माइनस बड़का पहले घटा देंगे, कितना था 72 गुने 2 घटा 48 गुने 2 और इसी में वाला 2 बार आ गया है, इसमें भी आया इसमें भी आया है, उसको क्या करना होगा, उसमें भी क्या करना है, उसको भी घटाना ही होगा 2 गुने। अब देखो क्या हो रहा है, देखो गुने कर दो सब, गुना करना आता है, गुना कर लेना सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक गुना कर लेना बाबू, होगा ही होगा, आगे बढ़े हैं, आगे बढ़े हैं, पक्का ना, कोई दिक्कत नहीं करवाएगा, दिक्कत है सर, बोलो क्या सर, 48 गुना 2 किए ठीक है सर, 72 गुना 2 किए ये भी ठीक है सर, माइनस 2 गुना 2 क्यों किए सर, क्योंकि 2 बार रिपीट हो गया था, कैसे 2 बार
इसमें भी ये वाला आ गया कि नहीं और इसमें भी आ गया कि नहीं, दोनों में ये वाला आ गया ना, दो बार रिपीट हो गया तो इसमें जुट जाना चाहिए सर। जुट जाएगा, देखो देखो तब आप ठीक है, आप ठीक है सर, ठीक है कैलकुलेशन करके हमको बताना है, ठीक है। देखो तो फिर से देखो, गुणा कर देते हैं, 42 48 बता दी, 34 56 पक्का, ये बताओ 144 44 ये बताओ 96 ये बताओ 4 ये कितना होगा 34 60 144 96 कितना होता है 4 4 10 4 9 इसमें 100 हो गया, 240 240 हो गया सर, 34 20 होगा, ठीक है 32 20 ठीक है 32 क्लियर है, बनाइए दिए चलो आंसर देख लेते हैं, डाउट में रहता है सब पहले के तो उससे नहीं आएगा ना, उससे नहीं आता, यहाँ पे गलती करके रात बोलो। चलो 31 में बनेगा कि नहीं, बन गया 9 - 5 होना चाहिए, नहीं 6 - 5 निकल जाएगा, ये ठीक है, पाए का पाए रख दो और घटा दो, आयताकार भाग है, ठीक है जी, हाँ सर आयताकार भाग है, 3 सेंटीमीटर का एगो है लंबाई और दो बोलता, अधिकतम अधिक से अधिक क्षेत्रफल का एक वृत्त काट लिया जाए तो अधिक से अधिक काट सकते हो, कितना काटोगे, किधर से काटो, वृत्त अंदर से बनेगा कि बाहर से, अंदर से, कितना काट सकते अंदर, तो दो ये वाला काट पाओगे कि नहीं, हाँ सर, कितना होगा माल तो बड़ा काट ऐसे काटने आने से, तो बाबू ये कटेगा तो त्रिज्या से, तो ये हो जाएगा व्यास, ये एक तो क्या हो जाएगा पूरा पूरा क्षेत्रफल, ये कितना हो जाएगा 6 3 - π / 1² मिलाते हुए जानू 6 - π मिला लो, कोई दिक्कत, चल आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। बोलता है 26 × 19 मीटर की माप का एक कालीन 68,666 रुपया में खरीदा गया, उसका प्रति वर्ग मीटर लागत कितना है जी, अरे पूछो नहीं है, कैसे निकालोगे बताओ, 6 8 निकाल गया, 6 6 6 ये पूरा थी है ना जी, और 26 × 19 तुम्हारा माप है, 26 × कटेगा क्या, उन्नीस से 59 57 57 और अरे कटा लो बताओ जी, कटाओ 59 के 57 हुआ ना, 57 और 11 बस ये 19 6 4 2 19 6 4 76 26 से कटाओ, 26 से कम 26 10 26 26 10 26 4 26 3 अरे 26 से 10 हुआ ना, 26 4 हो जाएगा, 10 से 26 से कम 26 26 3 78 78 और उधर 25 156 कितना बार कटे, 78 हुआ ना सर, अरे 19 हुआ ना, 23 226 236 हो गया, 26 18 26 से कम 26 हाथ में 10 101 बने, 24 3 78 78 आओ देखो ना उस तरह का क्या गोल है, 9 बार मिला है, कोई दिक्कत है बताओ, 9 सर कैसे किए पता चला, पहले क्षेत्रफल निकालते हैं ना, क्षेत्रफल बराबर होता है बड़का रुपया बटे छोटका रुपया है कि ना, अब क्षेत्रफल दे दिया तो कोई बात नहीं है, बड़का रुपया क्षेत्रफल भाग दे देंगे तो छोटका रुपया निकले है, ठीक है राजू, ठीक है पंकज भैया, भैया तो बराबर संख्या
हाँ ईट की संख्या में बाबू साहब तुम पकड़ रहे हो धीरे धीरे एकदम साहब हमारा पुत्र सब तो 40 होगा सर। अरे तुम ही लोग ऐसा बेच है जिसमें पैसा नहीं बोलते हैं, मांगते तंग उतना नहीं करते हैं। हम सब बेच पहले एकदम बोलते बाबू पैसा है इसी का खेल है, तो तुम ही लोग बेच बचा हुआ है। भगवान पानी पिला रहा तू थोड़ा सा पानी पीने चलो। तो 32 नंबर हम लोग बना लिए, 33 नंबर में क्या बोला जी, लंबाई जो है चौड़ाई का क्या है दुगुना है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा x गुना 2x लंबाई में चौड़ाई, यानी चौड़ाई में लंबाई कितना दे दिया है जी 3200, 2 से कट जाएगा 1600 हुआ कि नहीं, x स्क्वायर बराबर 1600 तो x का मान कितना आ जाएगा 40 हुआ ना, तो पूछा है कि चौड़ाइया कितना चौड़ाई है तो माने थे x। yes. कोई दिक्कत आगे बढ़े तो क्या तुम लोग 34 में बना पाओगे एकदम आसान है एकदम, ऑप्शन से बना लो है कि नहीं, ऑप्शन से बनेगा एकदम आसानी से। 34 नंबर बोल रहा है कि लंबाइया जो है चौड़ाइया से 4 ज्यादा है ना जी, x गुना x प्लस 4 बराबर कितना दे दिया है 480। बाबू ऑप्शन पुट करो, x किसका मान पूछा चौड़ाई, अगर चौड़ाई ले लेंगे 16 तो ये हो जाएगा 20, 16 गुना 20 कितना होता है 320 नया होगा पाला वाला नया। दूसरा 18 ले लेता 18 4 22, 18 गुना 22 कितना हो जाएगा नया होगा। तीसरा ले लेते हैं 20, अगर 20 ले लेंगे तो वो 24 होगा, अरे कितना होगा 48, अरे यही होगा 20 वाला। मुझे ऑप्शन से कर दिए या तो गुणनखंड करना होगा फिर, ठीक है खटोगे गुणनखंड करने में फिर दिक्कत लगे, इसलिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो क्या करोगे पुट कर देना ठीक है। 35 में चले, चलो 35 में चलो बाबू, बोलता एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल कितना दे दिया 396 लंबाई दे दिया, लंबाई गुना चौड़ाई नहीं जानते हो क्या, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल एरिया, तो एल का मान दे दिया 22, चौड़ाया का मान निकालना है 396 है, 22 कम 22 यहाँ पे 22 सर 17 बच गया, 22 76 पी का मान कितना हो गया जी 18। तो क्वेश्चन में क्या पूछा चौड़ाई और परिमिति, चौड़ाई तो निकल गया परिमिति निकालना तो 2l + b कर दो ठीक है, 18 और 22 कितना हो गया 22 18 40, 2 × 40 हो जाएगा 18 80, कोई दिक्कत है 18 80 कोई दिक्कत है क्या 18 80 कोई दिक्कत है 18 80 कोई दिक्कत है। तो 37 नंबर देखे जी क्या बोल रहा है, 37 नंबर बताना इधर, बोलता है कि आयताकार का क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है 144 से बढ़िया है, पहले एल गुना बी कितना था पहले बताओ, एल गुना बी कितना था 144, फिर अबरी बोलता लंबाइया बढ़ा दे 5 बढ़ा दी, और चौड़ाइया क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है 40, चौड़ैया कुछ नहीं किया है ना जी तो कितना बढ़ जाता है 40 वर्ग मीटर बढ़ जाता है, 144 से 40 और बढ़ गया कितना हो गया 144, रेशियो कर दो ठीक है, तो ये और ये कट गया ना जी, बोलो ना हाँ और ये कटेगा ना 4 से कटवे करेगा, तो ऐसा करो ना कुछ ऐसा चीज कटाओ तुरंत कट जाए, 7 से कटाओ न कटे 4 से कटाओ 4 दिया 4 चौका 4 छक ना जी, ये हो गया 18 ये हो गया 23, यानी 23 एल बराबर क्या हो गया 18l + 90, तो 5l बराबर एल का मान कितना हो गया 18, कोई दिक्कत है जल्दी बताओ फटाफट यार मनु ठीक है, तो कोई लंबा नहीं करना पड़ा तुरंत हो गया ठीक है, बादाम खाए सोडा खाए सब खा के बैठ गए, तो 38 तुम लोग बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे, बना देना चाहिए पूछो नहीं है, देखो कितना आसान है दिखाते हैं, मिटा दे ही वाला तुम लोग बना लोगे एकदम। देखो 38 में बोला एक आयत की लंबाई कितना है बताओ 18, चौड़ैया कितना है 10, आवरी बोलता लंबैया कितना बढ़ा दिया जाए, कितना बढ़ा दिया जाए 25 सेंटीमीटर तक बढ़ा दिया जाए, तो 25 सेंटीमीटर तक चल दिया ना जी 18 से 25 हो गया, तो बोलता चौड़ैया कितना होगा 5 × 10 = 7.2 आंसर,
18 गुने 10 बराबर 25 गुने 20। कोई दिक्कत है? यदि लंबाई को 7 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 4 सेंटीमीटर कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल समान रहता, पर पहले क्षेत्रफल हुआ क्या, एक्स इंटू एक्स प्लस 8। अब लंबाइया कितना बढ़ा दिया जाए, लंबाई कितना 7 बढ़ा दिया तो हो जाएगा x प्लस 15। और ये कितना हो जाएगा नुनू, ए 4 से कम कर दिया जाए तो ये x माइनस 4, तो क्षेत्रफल वही रहता, रहने दो। तो बाबू कुछ कटेगा नहीं, x स्क्वायर प्लस 8x हो जाएगा, उधर x स्क्वायर प्लस 15x प्लस माइनस 4x माइनस 60, ये गया मामा घर, 15 में 4 गया, 11 में 8 गया, माइनस 3x और माइनस 7, x का मान कितना हो गया 20। क्या पूछा क्वेश्चन, क्या पूछा, लंबाई चौड़ाई, लंबाई निकल गया चौड़ाई 28, लंबाई 28 हो जाएगा, कोई दिक्कत है, 20 28 आंसर हो जाएगा, 28 20, ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी, पक्का झूठ नहीं। चलो तब कितना नंबर है आप, 41 नंबर जी, क्या 41 नंबर, तो बहुत ही सिंपल साधारण है, 41 में बोल रहा है कि देखो त्रिज्या कितना है 42, तो परिमिति कितना हो जाएगा, परिमाप तो बता दे वृत्त का, 2 गुने पाए आर का मान 42 6, यही परिमाप हो गया, और इसी को तोड़कर किस में बता दिया, आयत में, आयत का क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी हमारा हो गया 2 गुने 22 गुने, तो 2 गुने आयत लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना 6 5, 6x गुने 5x, तो 2 गुने 22 गुने 2 से 2 गया ना, जोड़ ना 22x हो गया ना, गुना कर दिए परिमाप 2 इनटू l प्लस 20 सर, l प्लस, हां मतलब सॉरी 6 5 11x हो गया, तो ये 2 2 गया 11 से 2 गया, x का मान कितना हो गया 12, x का मान जब 12 हो गया तो उन्होंने क्या पूछा, छोटी भुजा, तो छोटी भुजा 5x, कोई दिक्कत, अरे किसी को अति तार में कन्वर्ट कर देंगे, जो वृत्त का परिमाप होगा वही आयत का भी परिमाप होगा, आयत में अगर बदलेंगे तो, अगर वर्ग में बदलेंगे तो वर्ग का परिमाप बराबर होगा, ठीक है, याद रखना ये सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है, हो गया। आप बोलता है 43 नंबर क्वेश्चन मार्क, 43 नंबर में क्या बोला, बोला कि एक आयता किसी आयता का छत का टाइलिंग है जो 6 मीटर 60 मीटर ना सॉरी 240 मीटर लंबा और कितना टुकड़ा बड़का है, क्षेत्रफल बटे छोटका क्षेत्रफल, याद है 240 गुना 216 और बटे 6 गुने 5, 6 से 40, 5 से 8, 216 अठे 17 अठे 88, कैसा रहा देखो तो, कितना एकदम बताता क्वेश्चन है, बड़का क्षेत्रफल बटे छोटका क्षेत्रफल, अभी तो बोला ट्रायल की संख्या है कि ना, एक मीटर ईट का संख्या, ठीक है, 45 में घुसे और 44 में बोल रहा है कि कुल टाइट कीमत कितना है बाबू, तो 60 टाइलवा है कितना, बोले 60 गुने 40 और बटे 60 गुने 40 और बटे कितना हो जाएगा 0.4 टाइल लगा हुआ था, तो 0.4 का टाइल लगा था बाबू, है सॉल्व करने आता है जी, कितना 4 से यहाँ पे 100 आ जाए, 4 से 25, 4 से 10, 25 छक 150 ना जी, 25 छक 150 और दू और सुनना 15,000, ये क्या निकला टायर की संख्या निकला, एक टायर का दामा कितना दिया जी 5%, कितना आ गया 75,000 लग गया ना राजू, हाँ कल मैंने लगा ना, चलो तो क्या तुम लोग 45 में नहीं बना पाओगे, 45 में नहीं बना पाओ, आराम से बनाओगे, क्या सर दौड़ते दौड़ते बना देंगे, बोलता लंबाइया है 8 और 5 का रेशियो, ठीक है लंबाई चौड़ाई, तो 8x गुना 5x कितना दे दिया
160 से 20 5 से 4 x बराबर 2 ठीक है x स्क्वायर बराबर 4 तो x बराबर हो गया ननु तो बोला कमरे की परिमिति 2 इंटू एल प्लस बी तो एल का 8 5 13 हो गया 13 दुना 26 2 गुने 13 20 26 गुना 2 कितना हो गया 52 कोई दिक्कत है जी हैं आराम आराम से हम लोग बनाएंगे बैठ बैठ के बनाएंगे ठीक है हाँ। तो कितना नंबर 45 का कितना नंबर आएगा 46 तो कितना 46 होगा एकदम सिंपल है ना बड़का क्षेत्रफल 90 × 80 अब 20 × 9 9 से सर 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 20 सर सर मीटर में इधर इधर मीटर में 20 हां क्या गुनास बटे 100 सर ये वाला बड़ा हो जाएगा बड़ा कौन होगा 20 मीटर गुने 9 मीटर और ऊपर वाला सेंटीमीटर है क्या दोनों यस तो ऊपर हो जाएगा 20 गुने 9 और 90 बटे 100 और यहाँ पे 80 बटे 100 तो बाबू कटेगा 9 से 10 बार 10 से 10 बार 10 से 8 बार में और 4 गुना 8 4 25 2 से 10 बार में मतलब 250 ठीक है अरे तो हम ध्यान नहीं दिए थे जी 47 नंबर देखे हैं यस सर 24 हो जाएगा 47 नंबर में बोलता है एक वर्ग का आयत दोनों के परिमाप कितना है जी 48 दोनों के क्षेत्रफल में कितना अंतर है 4 तो आयत का माप कितना है तो बाबू क्या क्या सूत्र होता है जी 2 × 12 + b 14 ऑप्शन से पुट कर दो 47 नंबर में 47 में जो है ऑप्शन से ले लो तो अगर हम ऑप्शन ले लेते हैं 24 पहले तो 24 तो बाबू 24 लेते हैं तो जगह 24 ना 48 परिमाप तो हो रहा है ठीक है अब 24 ले लिए तो बहुत बढ़िया और 48 परिमाप है तो ऑटोमेटिक है भुजा 4 144 रहने दो अभी अब ये गुना करोगे 20 चौका कितना हो गया 80 घटा दोगे तो अंतर कितना हो जाएगा 4 का अंतर होगा नहीं होगा ये वाला नहीं होगा पहला नंबर नहीं होगा 18 ले लेते हैं 18 108 हो गया और उधर 144 हो गया ना जी 144 में 108 जाएगा कितना हो जाएगा सौ नहीं ये भी नहीं होगा आगे बढ़ो 14 10 लेते हैं 14 तो ही 40 अरे यही हो गया 14 10 ठीक है 14 10 हो गया सोचने नहीं है ठीक जी सर चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कितना नंबर 48 नंबर 49 पे हम झटका लगा देते हैं बोलता एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल बराबर है जी यदि परिमिति के अनुसार P1 और P2 है उसके विषय में क्या कहा जाता है बताओ जी वो चेक करके देखो वो चेक करके देखो P1 ग्रेटर देन P2 एक वर्ग अरे देखो 18 ले लेते हैं और 12 ले लेते हैं इसका भुजा ठीक है क्षेत्रफल बोलता 12 बराबर है तो 12 × 12 भी 144 हुआ कि नहीं 18 × 18 = 144 हुआ ना तो इसका परिमाप कितना हो गया बताओ तो इसका परिमाप हो जाएगा 2 × 18 = 8 52 हो जाएगा इसका 12 × 48 इसका परिमाप बेसी बड़ा होगा तो तुम्हारा हो गया आयत का आयत क्या है परिमाप बताओ P1 ग्रेटर देन ऐसा सोचिए परिमाप समझा कि नहीं लास्ट उम्मीद करते लास्ट वाला तुम लोग खुद बना पाओगे ठीक है एकदम आसान है वर्ग का विकर्ण दिया 6 मीटर तो सूत्र लिख लो तुरंत 50 नंबर वाला ठीक है आयत का जब विकर्ण वर्ग का विकर्ण देता तो सूत्र होता है आयत का क्षेत्रफल सॉरी वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है विकर्ण स्क्वायर बटे 2 ठीक है तो 6 का स्क्वायर बटे 2 कितना होगा 18 आंसर हो गया ठीक है तो अगले क्लास में फिर मिलेंगे मतलब अभी बढ़ते जा रहे हैं खत्म होने के बाद पूरा वीडियो डाल दिया जाएगा थैंक यू वेरी मच चलिए कल के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आज का शुरू करते हैं क्वेश्चन
देखिए आज दो वीडियो अभी तक बन चुका है, इस जो अभी बना रहे हैं पार्ट वो तीसरा वीडियो होगा। इस तरह से चार वीडियो को मर्ज करके एक पूरा वीडियो, चार या पांच वीडियो मर्ज करके एक पूरा कंप्लीट वीडियो आएगा, तो कंप्लीट देखें और प्रतिदिन बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करें। तो आज हम लोग चलेंगे वर्ग से रिलेटेड, तो वर्ग के रिलेटेड हमारा तीन चार फॉर्मूला है। वर्ग का विकर्ण जो होता है बाबू, क्या होता है जी वर्ग का विकर्ण? रूट अंडर टू इंटू ए। वर्ग कैसा होता है तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये है वर्ग, ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, और ये कहलाता है विकर्ण। ठीक है, तो सभी भुजाएं बराबर होती है इसमें, और एक कोण समकोण भी होता है इसमें 90 डिग्री, तो सभी कोण 90 डिग्री होता है। और दूसरा सूत्र, पहला सूत्र ये हो गया, दूसरा सूत्र होगा वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपका, आपका पहला हो जाएगा ए स्क्वायर और दूसरा हो जाएगा विकर्ण स्क्वायर बटे टू, दोनों में से कोई भी रहेगा हम लोग ले लगा। तीसरा फॉर्मूला होगा वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू 2। चलिए अब सवाल हम लोग तुरंत बना सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है किसी वर्गाकार खेत का विकर्ण 110 मीटर है। कितना है जी? 110 है। ठीक, मिटा देंगे 110 मीटर विकर्ण हो गया, तो क्षेत्रफल पूछ रहा था, एरिया बराबर भी बताया दिए ना जी, विकर्ण का स्क्वायर बटे 110 गुने 110 और बटे 2, तो 2 से कितना हो जाएगा 55, 2 जाएगा 0 और 11 पचे 55, 5 11 पचे 55 और 5 60 50 आंसर मीटर स्क्वायर होगा। तो इसी तरह तुरंत 52 नंबर बना के दिखाओ, उसी तरह का सेम टू सेम है, जल्दी से बना के दिखाओ। 52 नंबर भी उसी तरह का सेम टू सेम है, मिटाते हैं 52 नंबर उसी तरह का, जल्दी आंसर बता फटाफट, एकदम सेम टू सेम है। तो चलो 52 नंबर भी खत्म हो गया होगा, है कि नहीं? 52 हो जाएगा भाई विकर्ण स्क्वायर और गुने विकर्ण स्क्वायर बटे 2, 2 से क्या जाएगा 45, तो जाएगा 9 9 5 45 हो जाएगा 4 और 9 6 36 40 50 हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी है क्या? मजा आ रहा है, एकदम ठीक ठाक लग रहा है, एकदम एकदम जोश जुनून के साथ पढ़ना। जितना भी वीडियो बनाए हैं सब हम लोग जोश जोश जुनून के साथ बनाए हैं, और साथ ही साथ हम और भी जोश जुनून के साथ उतरेंगे जब हम आप लोग अगर मेरा वीडियो को पसंद करेंगे, थोड़ा सा अगर शेयर कर देंगे और दूसरे को बताएंगे कि वीडियो में बेहतर। अगर समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। चलिए हम लोग पुट कर रहे हैं, आपको आता होगा ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए फायदेमंद होगा जो थोड़ा सा बेसिक नॉलेज उनको पता है, वैसे स्टूडेंट के लिए फायदेमंद नहीं होगा जो बेसिक जानना चाहते हैं, बेसिक से सीखना चाहते हैं। बेसिक की तरह भी हम लोग एक वीडियो बनाएंगे, बहुत जल्दी उसका भी काम करेंगे। 53 नंबर हम लोग ध्यान देंगे, 53 नंबर में हमारा क्या कहा? 53 नंबर में दो वर्गों का परिमाप दे दिया जी, परिमाप का 40 दे दिया, तो भुजा कितना हो जाएगा तुरंत बोल सकते हो, 40 बटे 4 है कि नहीं? 10 A1 हो गया, A2 कितना हो जाएगा जी? 32 बटे 4 कितना हो जाएगा? 8। अब बोलता है उस तीसरे वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल, इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर है जी, ए क्या है? अंतर है। तो क्षेत्रफल यानी ए बड़का ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर होगा ना, बोलो ना। तो 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर का मतलब हो गया यहाँ पे होगा कितना? 6 का स्क्वायर, बड़का ए का मान कितना हो गया? 6। तो पूछ रहा है इसका परिमाप क्या होगा, तो इसका परिमाप 6 चौका कितना हो जाएगा जी? है 6 चौका कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत है परेशानी है बताओ जल्दी, बोलो ना दिक्कत कहाँ पे है, किस जगह पे दिक्कत है? कैसे क्या पता चला? पहले पहला भुजा निकला ये 10 निकला पता चला था, परिमाप दिया था तो 40, तो भुजा निकलेगा 10, दूसरा का परिमाप दिया था 32, तो भुजा निकलेगा 8। लेकिन बोल रहा है तीसरे वर्ग का जो क्षेत्रफल है, तीसरे वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो दोनों वर्ग के क्षेत्रफल का अंतर है, तो अंतर कर दिए कि नहीं? 10 का स्क्वायर कितना होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या? सीधे 100 माइनस 64 कितना हो गया? 36 में होगा, 36 का मतलब 6 स्क्वायर में होता है। ठीक है, चलो तो इसी बात पर 53 नंबर भी नहीं, 54 नंबर तो हम बना लोगे आराम से, मिटा दे। बोल रहा 5 वर्ग का परिमाप जो है क्रमशः 24 32 40 76 और 80 सेंटीमीटर है, उस वर्ग का परिमाण जिस क्षेत्रफल इन 5 वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है जी। तो पहले पहला A1 कितना निकलेगा पहले बताओ? A1 निकलेगा 6, B1 A2 कितना निकलेगा जी? 8। A3 कितना निकलेगा जी? 10। A4 कितना निकलेगा जी? 19। A5 कितना निकलेगा जी? 20।
सबका योग के बराबर बड़का क्षेत्रफल है जी। बड़का स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर प्लस कितना हो गया 124 तो हो गया 6 का स्क्वायर कितना 36 प्लस 64 प्लस 100 प्लस 361 प्लस 400 तो यहाँ पे हम लोग 6 4 10 10 10 11 11 का 1 1331 आ रहा है क्या, मतलब कितना आ रहा है, कितना आया जी 6 4 10 10 और 11 है 3 6 9 1 10 10 10 10 10 16 16 1 एक और एक दो दो तीन पांच पांच चार 961 यही बोल रहे तो एक बराबर कितना हो गया किसका होता है 31 का होता है। इसीलिए परिमाप तो 4 एक खाली कर देंगे तो 4 × 31 कितना हो जाएगा 124 ना। बताओ जी कोई दिक्कत है बाबू, 53 जैसा ही 55 है, जल्दी से बना के दिखाओ चलो, ठीक है 53 जैसा ही 55 है, एकदम जल्दी से बना के दिखाओ 40 53 जैसा ही 55 है, जल्दी से बना के दिखाओ, एकदम आसान है एकदम। तो बोल रहा है एक बार का परिमाप कितना है 24 है, तो भुजा कितना निकल जाएगा जी 6 A2 कितना निकल जाएगा जी 8 तो बोलता है एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसका दोनों वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है बाबू, ठीक है वर्ग के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो इसका मतलब जो बड़का स्क्वायर है 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर आएगा, देख लेते तो ए बराबर कितना आएगा 10, इसलिए 4a निकालना परिमाप, ठीक है एकदम उसी तरह है कि नहीं, देखो 53 जैसा एकदम उसमें अंतर था इसमें योगफल बराबर। चले आगे बढ़े, छप्पन नंबर बोल रहा है एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 576 है तो भुजा कितना निकल जाएगा जी ए स्क्वायर 576 है, ध्यान दो ए बराबर हो जाएगा 24 का स्क्वायर होता है 576, ठीक है। अब आगे बोल रहा है एक वर्ग नहीं, आगे बोल रहा है एक घोड़ा को 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मैदान के चारों ओर चक्कर लगाने में, तो इसका मतलब परिमाप घूमना है तो 4a निकालना है, तो 4a कितना हो जाएगा 2496। ये 96 क्या है किलोमीटर, ये 96 क्या निकलेगा किलोमीटर, तो बाबू 12 किलोमीटर प्रति घंटा ही भाग रहा तो 8 घंटा लग जाएगा है कि नहीं। अरे हमारा s बराबर क्या होता है जी t बराबर क्या होता है d / s yes. तो d का मान 96 और स्पीड बा कितना है जी 12 8 घंटा, कोई दिक्कत है। संतावन नंबर जहाँ है संतावन नंबर में बोल रहा थी किसी वर्ग के विकर्ण को दो गुना कर दिया जाए, ठीक है वर्ग के विकर्ण को कितना कर देंगे दो गुना कर दिया तो इस नया वर्ग बनाया गया है तो नए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो बाबू विकर्ण को दुगुना कर देंगे तो ऑटोमेटिक क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, सिंपल सी चीज है क्योंकि सूत्रवा क्या होता है जी विकर्ण स्क्वायर बटे 2 होता है, तो इसको दुगुना करेंगे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, सीधे कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, स्क्वायर रहेगा तो 2 रहेगा तो 4 गुना हो जाएगा, 5 रहेगा तो 25 हो जाएगा, 3 रहेगा तो 9 गुना हो जाएगा, ठीक है आगे बढ़े। किसी वर्ग के विकर्ण में बने वर्ग का क्षेत्रफल मूल वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना होगा, तो अभी तो बताए जी √2 का स्क्वायर 2 गुना हो जाएगा आंसर हो जाएगा, बाबू दिखाते हैं कैसे। 98 बोला किसी वर्ग के विकर्ण में बने वर्ग के क्षेत्रफल, पहले देखो ये वर्ग है ये ए है ये ए है तो ये क्या है जी √2a है कि नहीं, इस पर वर्ग बना है बाबू, तो बोलता है किसी वर्ग के विकर्ण में बने वर्ग का क्षेत्रफल पहले इसका क्या हो जाएगा √2 भुजा है ना इसका स्क्वायर हो जाएगा विकर्ण पर स्क्वायर हो गया। अब बोला है कि वर्ग का मूल वर्ग है तो मूल वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 2a² / a² कितना गुना 2 गुना। आगे बढ़ो, एक वर्ग और उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा 1:2 होगा, दिख रहा है बेटा
एक वर्ग 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 का क्षेत्रफल क्या होता है जी, ए स्क्वायर, और विकर्ण पर कितना होता है, रूट टू का ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बटे दो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक अनुपात। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है जल्दी बताओ, कोई दिक्कत परेशानी है तो जल्दी बताओ, मिटा देते हैं। ये था तुम्हारा 59 नंबर, 60 नंबर बहुत बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ग का क्षेत्रफल बाबू याद रखना, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, ध्यान दो, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है A1 बटे A2 का होल स्क्वायर, या परिमाप जो होता है, परिमाप का जो रेशियो होता है, परिमाप को हम क्या मान है, P1 कर देते हैं, P1 बटे P2 का भी स्क्वायर। तो बाबू यहाँ पे पूछ रहा है उनके परिमाप का अनुपात, यानी P1 बटे P2 जो है का स्क्वायर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1:2 दिया हुआ है। तो P1 बटे P2 पूछ रहा कितना होगा, तो 1/√2 हो जाएगा, ठीक है, इस पर जाकर रूट में बदल जाएगा, ठीक है। तो 61 नंबर उसी तरह जल्दी बोलो आंसर कितना होगा, बोलो तुरंत आंसर, देखते ही बोल दो आंसर, देखते ही बोल दो बाबू, 61 नंबर का बोल दो, 3:1 होगा कि नहीं, अरे √9:1 हो जाएगा, उसी तरह का है कि नहीं, तो 3:1 होगा, 61 नंबर बनाने की जरूरत है क्या, बोलो, तो मुहे से बता देंगे आराम से, तो 62 भी बना दोगे आराम से, कितना हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा, कोई दिक्कत है, 61-62 होमवर्क रह गया कि नहीं, 61 और 62 जो रहा वो क्या रह गया, IW रह गया कि नहीं, एकदम बताओ, अरे बोलो तो सही है ना, आसान है एकदम, उसी तरह आगे आगे देखते हैं क्या बोलता है। यदि किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई तथा एक दूसरे के वर्ग एक दूसरे वर्ग की भुजा की लंबाई में से प्रत्येक 10 सेंटीमीटर हो, ठीक है, तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अनुपात होगा, एकदम सिंपल है, पहला में क्या दे दिया, विकर्ण की लंबाई, ए बाबू पहला में क्या दे दिया, विकर्ण की लंबाई, तो विकर्ण की लंबाई विकर्ण का स्क्वायर बटे दो पहला हो गया क्षेत्रफल, और दूसरा हो जाएगा पहले वर्ग का क्षेत्रफल का दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल से, तो दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 10 का स्क्वायर, विकर्ण स्क्वायर बटे दो दिया, विकर्ण दिया था तो अनुपात बोल रहा था, तो बताओ जी कितना हो जाएगा, 1:2 आंसर हो जाएगा, 1:4 चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, कोई दिक्कत है जल्दी बताओ जल्दी, मॉर्निंग जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत है, अब बड़े से बड़े बोल रहा है जी, कमरे पर जहां भी बड़े से बड़े संभव टुकड़े, तो इसका मतलब क्या निकालना है जी, ए क्या निकालना है, विकर्ण निकालना है जी, तो विकर्ण बराबर क्या होता है बताओ, तुम लोग 25 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, √6.5 और जोड़ 4 ना जी, यही ना संभव कमरे पर वर्गाकार, नया जी नहीं नहीं नहीं, कमरे के पास का वर्गाकार संगमरमर, हाँ। तो इसका वर्गाकार क्या हो जाएगा, इसका वर्गाकार क्या हो जाएगा बोलो तुम लोग, 6.5 और 4 का मतलब जो है एचसीएफ कितना होगा, कितना होगा, 50 सबसे पहले सर इसको सेंटीमीटर पूछा, सेंटीमीटर में कर लेते हैं, तो 650 अच्छा 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 मीटर को सेंटीमीटर में, तो जाएगा 650 ना जी, और गुना 400 ये तो कितना हो जाएगा, 50 से हो जाएगा, 50 से कम 50 50 50 अठे 400 यानी 50 हमारा क्या हो गया, वही होगा, वही आंसर, तो बोलता है बड़े से बड़े टुकड़े से की लंबाई क्या होगा, यही 50 देखो तो देखो, हाँ सर वही हो गया, तो और बढ़िया है, खाली 80 निकाल देना, 50 सही है सर, कोई दिक्कत कोई परेशानी, नो सर, क्या बोला 65 नंबर बोलो तुम, किसी त्रिभुज का आधार कितना है जी, 1/2 होता है ना जी, 1/2 आधार गुने ऊंचाई निकालना है सर, बराबर कितना दिया है जी, एक वर्ग का क्षेत्रफल के बराबर उसकी भुजा क्या है, क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, क्यू कट जाएगा है ना, एस बराबर 2 क्यू आंसर हो गया, बताओ कोई दिक्कत था इसमें,
टैक्स डिपार्टमेंट 1989 में पूछा है बाबू, उस समय भी लोग पढ़ता था, उस समय भी वैकेंसी भरा था। तो आगे बढ़ो, 30 मीटर भुजा वाले वर्गाकार क्षेत्र के चारों ओर बाहर सामान चौड़ाई का एक रास्ता बना हुआ है। आई देखो यहाँ पे 30 सेंटीमीटर भुजा है ना, ये वाला 30 ऐसे चारों ओर क्या बना हुआ है, सामान चौड़ाई का बना हुआ है रास्ता। तो बाबू अगर ये ए है, बताया था ना, ये ए है, 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 कितना हो जाएगा बाबू बड़का, क्या हो जाएगा, 30+2a हो जाएगा ना। अरे बोलो तो, हाँ इधर भी 30+2a, यानी 30+2a का होल स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर बराबर कितना दिया है, 256। ठीक, तो बाबू 30+2a का होल स्क्वायर कितना हो गया उधर, 256 में 900 जोड़ दो, 1156। 30+2a कितना हो गया, 1156 किसका होता है, 1156 किसका होता है, 34 का, तो 2a कितना हो गया, 4, a कितना हो गया, 2 आंसर हो गया। क्या लगा बताओ, कुछ दिक्कत है, हाँ बम, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उस वृत्त की परिधि क्या जिसकी त्रिज्या कितना है जी, अच्छा तो परिधि नहीं जानते, वृत्त की परिधि 2πr लगा दो, तो 2×22/7×21 ना जी, 7 दिया तो 22×100 कितना होता है, 32 आंसर। कोई दिक्कत है जल्दी बता दो, बता दो, बता दो, साठ हो गया, तो 68 तो बहुत ही इजी है, बता है रस्सी की लंबाई कितना हो गई, देखो रस्सी अगर यहाँ बंधा है तो ऐसे ऐसे जाएगा ना जी, ऐसे रस्सिया, इसका ना वृत्त बनाएगा तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है कितना, 58/56, 22×7×r² बराबर 58/56, तो कटेगा 11 से कटा दो, यदि 22 से कटा पाओगे तो कटा दो, 11 से कटा दो, 11 × 22 = 8, 88 = 10, 11 × 99 = 6, 2 से कट जाएगा, 2×4 = 8, 2×4 = 8, और यहाँ पे 2×4 = 8, 2×8 = 16, आर स्क्वायर कितना हो गया, 8×56 ना जी, आर स्क्वायर 8×56 = 5, 7×28 = 5, 33 ना जी, 28×5 = 32 है, 33 ठीक है, 7×28 = 3, 33 = 36, ठीक ना की है, देखो तो 7×56 = 5 हो गया, 7×28 = 5, 33 हो गया, 3 और 7×28 = 3, किसका होता है ये, 31 किसका होता है जी, अरे बोलो तो, 55 होगा, 56 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, छाके 36, अरे छाके 36, 30×60 = 63, 6, 5×5 = 31, ठीक आंसर हो गया, बताओ जी कोई दिक्कत है, बताओ ठीक है ना, इधर कोई दिक्कत है 69 नंबर में, बोलो बम बम झूठो, तो 69 नंबर क्या बोला, परिधि, परिधि बराबर क्या होता है, 2×22/7×r बराबर 352, 22×22 और यहाँ पे 22×132, 2×8, आर का मान 56 हुआ ना, इसका पाई आर स्क्वायर पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो 22×7×56 गुना कर लेना, कोई दिक्कत है, 70 नंबर अर्धवृत्त का परिमाप जानबे करते हो, पाई आर प्लस 2r, नहीं 36×7 अर्ध परिमाप जो है अर्धवृत्त का परिमाप जो होता है, अर्धवृत्त का जो परिमाप होगा, का परिमाप जो होगा वो होगा सीधा 36/7r, तो 36/7 और r का मान कितना दे दिया, 56, 7×8 = 48, 4, 8×24 और 28 = 288 है ना, कहाँ आया, इनमें से कोई नहीं आंसर, दो ग्रामीण नहीं सर आया, क्या 70 तो आया, 144,
288 होगा ना, 288 होगा, इनमें से कोई नहीं आंसर होगा, की होगा 36 ठीक है। तो जल्दी से बना के दिखाओ, 71 नंबर उसी तरह का है, जल्दी से बना के दिखाओ, जल्दी से ना, उसमें अर्धगोला है, जल्दी बनाओ, जल्दी जल्दी, हाँ बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, 71 नंबर भी उसी तरह लगा देना है, 36/7 और आर यहाँ दिया हुआ है ब्यास, तो 63/2 हो जाएगा, तो 2 से 18 बार में कट जाएगा और 7 से 9 बार में, 18 नंबर 88 देखते देखते सब खत्म कर दिए जी। हाँ एक तार बोलता है त्रिज्या वृत्त को बना दिया बेल वर्ग, तो एकदम आसान हो जाएगा क्योंकि परिमाप बराबर होता हम बता दिए, तो एच डब्ल्यू रहा, तो 72 और एच डब्ल्यू रहा, क्योंकि पहले ही हो गया है, तो कल वीडियो में फिर मिलेंगे, बात करेंगे। तो आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं, हर एक सेशन आपके लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण होते जा रहा है, आप लोग पूरा वीडियो देखिए, क्षेत्रमिति का क्वेश्चन ग्रुप डी में बहुत ज्यादा पूछता है, तो क्षेत्रमिति के क्वेश्चन को देखिए, और वैसे हम सभी, चाहे आर एस अग्रवाल हो, चाहे वो सगीर अहमद हो, चाहे वो एस डी यादव हो, सभी का वीडियो हम प्रोवाइड कर चुके हैं, आप मेरा सेशन देखिए, 150 प्लस वीडियो मैथ का बनाया गया है, आप जरूर देखिए, उसको फायदा उठाइए। चलिए तो पहला क्वेश्चन आज का है एक पहिए का अभ्यास, तो ध्यान दीजिएगा, एक सूत्र बता दिए, चक्कर की संख्या बराबर है कि नहीं, सूत्र लिखते जाना है और याद भी करते रहना ताकि वहां पे बैठा सके, चक्कर की संख्या बराबर दूरी बटे परिधि है कि नहीं जी, तो चक्कर की संख्या दिया हुआ 500 चक्कर बैठा दिए कोई दिक्कत, और पहिए का अभ्यास दे दिया है, तो परिधि का अभ्यास होता है, परिधि कितना होता है पाई डी, या होता है 2πr, दोनों में से आर दिया रहेगा तो ये सूत्र लगाएंगे और डी दिया रहेगा तो ये सूत्र लगाएंगे, तो बोलता कितना दूरी तय करेगा, डी छोड़ दिए परिधि हो गया पाई, मतलब 22/7 और डी का मान है 1.26 ना जी, अरे बोल दो ठीक है, तो बाबू भैया ये 7 से कट जाएगा, 7 × 7 = 56, इसलिए डी बराबर हो गया 500 × 22 × 1.8, ये कौन गया तो ये कर, तो 22×5 = 110, 11×8 = 88, 8 वाला क्या ऑप्शन में, 11 कितना है यहाँ जी, कौन है ना 11×22 = 10, सुनना पहले से था 2 और 11×8 = 88 और 11×8 = 198/180 ना, गड़बड़ किए क्या, देखो तो ठीक तो 1980 × 1800 देखो तो ठीक ठाक है ना, तब तो और 2 हटेगा ना, ये पूरे खत्म, ठीक तो सर कट जाएगा, तो कोई 0 ये 0 तो कितना होगा, 1/8 होगा ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ये पॉइंट का तो दोनों क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशान नहीं, आप लोगों को भी नहीं होगा, होगा तो बता दीजिएगा ना, हम ठीक करते हैं ना, हम कर देते हैं मिनटों का काम सेकेंडो में, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्या तुम लोग बना पाओगे ना 74 नंबर वाला, अरे बोलो तो 74 नंबर बना पाओगे ना, ऑप्शन दो ये वही छोड़ा जी तो बनाना होगा ना, गलती से भेजा तो गलती भी करना होगा ना, तो बोलता उस पहिए का ब्याज कीजिए, ब्याज ज्ञात कीजिए जी, जिसका 2 किलोमीटर 26 डेका, देखो हम लोग जानते हैं मिली सेंटी डेके, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका है तो किलोमीटर, यानी बाबू 100 मीटर 10 मीटर बराबर मिली सेंटी डेसीमीटर डेका, डेका मीटर है क्या ये, तो 10 मीटर बराबर होगा 1 डेकामीटर बाबू, ठीक है ये लिख लो तब बनाने में ठीक लगेगा, तो हो जाएगा बाबू हमारा, ए डिस्टेंस कितना दे दिया है, डी दे दिया 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर मतलब 2000 ना जी, और प्लस 26 डेकामीटर मतलब 26 दही 260 मीटर, यानी कितना हो गया 2260 मीटर हो गया, इसीलिए बाबू चक्कर की संख्या कितना दिया 113 चक्कर, और इधर हो जाएगा तुम्हारा 2260 और बटे पाई का मान 22/7 और गुने वही जो डी पूछ रहा है,
113 दुना 113 ना 226 ना जी, कोई ना बोलता है जी। इसलिए डी बराबर कितना हो जाएगा 20 / 140 / 22 तो हो जाएगा 70/11 11 × 66 4/11 ठीक है, बी नंबर ऑप्शन ठीक। देखो ये आके बैठ गए, ये क्लास हो रहा है बेटा ये हाँ। चलो 74 बन गया, कोई दिक्कत है? दिक्कत है किसी को? किसी बाबू भैया को दिक्कत है जल्दी बता दो। चलो तीसरी बात पे जल्दी से 75 में बनाओ ना जी, को तो बनाओ हैं। अब बोले भाई कैसे बनाएंगे, बना लेगा की 28 चक्कर में बताओ निकालना है। अट्ठाईस चक्कर बराबर निकालो फिर, इस ई बला थोड़ा सा डिफिकल्ट है ठीक है। कितना 75 नंबर है, चक्कर की संख्या कितना जी 28। डिस्टेंस निकाल लो, पाए का मान 22/7 बोल रहे हैं और व्यास कितना दिया है जी 3 ना जी, ये मीटर में भी निकलेगा। चलो चक्कर तो कितना आ जाएगा बताओ, 7 से कटेगा कुछ, कटेगा ये वाला 4 बार। तो डी बराबर हो गया 8 / 22 = 176 ना जी, मैं 12 × 24 = 264 मीटर। क्या बोला 7 से नहीं कटेगा, ऊपर पलटाएंगे 10 काटेंगे ना, हो गया ना जी। तो बोलता है बाबू क्या मिनट लगता है इसे 264 मीटर में, कितना लग जा रहा है, कितना टाइम लग रहा है, अरे बोलो ना, एक मिनट लगता है 264 मीटर में, एक मिनट लगता है बाबू, इसलिए एक मीटर में कितना 1/2, इसलिए कितना किलोमीटर है 5.280 बाबू 5280 मीटर ठीक है। इसलिए 5280 मीटर में कितना लगेगा 1/264 और गुने 5280, 264 दुना होता है सर 20 मिनट में पार कर देगा ये। कैसा रहा जी, सब ठीक है, ऑल इज वेल ठीक है। आप लोग भी जरूर बताइएगा, देखिए मैं हम फिर बोल रहे हैं एकदम, जितना भी हम मैथ बताते हैं ना जबरदस्त, मुंह नहीं धोए हैं। तो चलो आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़े हैं जी, सब ठीक है ना, ऑल इज वेल। आगे बढ़ते 75 के बाद 76 तुम लोग बनाओ जल्दी, हर क्वेश्चन में हमसे पूछेगा, हर क्वेश्चन में पूछेगा, जल्दी बनाओ जल्दी जल्दी बनाओ। तो अभी ये बोल रहा 40 सेंटीमीटर व्यास वाला एक चक्कर, अरे चक्कर बराबर ना सिखाए जी, चक्कर बराबर क्या हुआ दूरी, तो 176 है, इधर हो गया 22/7 और व्यास दे दिया 40, 22 × 8 = 40 ना जी, ठीक जा रहा है। ये सेंटीमीटर में था ही, तो 100 से ऊपर में गुना हो जाएगा, ये 40 × 100 हो जाएगा, यहाँ जाएगा ये पलटा देंगे ये खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा तुम्हारा 5 से ये 140 हो जाएगा, ये 7 पलट जाएगा 140। कैसे तुम लोग का नया आता है जी हैं? चलो 77 में बना जल्दी से फटाफट, खेल है मीटर सेंटीमीटर ये सब थोड़ा सा बदलने मुझे सीखोगे तब ना हो पाएगा, ऐसे काम कैसे चलेगा बताओ। तुम लोग एनर्जेटिक हमेशा सब क्लास में एक ही चीज अभी बोल रहे हैं कि बी एनर्जेटिक हैं, कब तबीयत खराब होगा कब अच्छा होगा कब क्या होगा कोई बोल सकता है जी, तो मेहनत पूरा करोगे ना जी, ऐसा करो मेहनत कि तुम्हारा बढ़ जाए इज्जत है कि ना, धमाका जहां जहां नंबर लाया ये भी चूरू चूरू नंबर लाया कल लेगा। हाँ सर कल लेट से कितना गए उन्हें देखे सर, तैयो उतना ले आए तो 50 आ जाता। चले आगे बढ़े हैं। क्या क्वेश्चन मैम बोला जी, बोला एक दांतेदार पहिया है जिसका व्यास 50 सेंटीमीटर है और एक छोटा पहिया जिसका व्यास 30 सेंटीमीटर से जोड़ दिया जाता, जोड़ने दो। तो बोलता यदि बड़ा पहिया 15 चक्कर काटेगा, छोटा पहिया कितने चक्कर काटेगा बताओ।
25 अंश हो गए। बड़का पहिया का दे दिया है ना जी 15 25 छोड़ा जाए यार बेसी चक्कर मारेगा पहले डिस्टेंस निकाल दीजिए कितना हो गया उतने छोड़ दिया सर पर ईदी पहले निकाल लिया होगा ना नहीं डिस्टेंस हो रहा है मेरा हैं पहले देखिए सर 15 चक्कर दे दिया एक्स मान लिया उसके बाद पर ईदी परिमा बैठा दिया ठीक तो जो एक्स बराबर ही गुना छोड़ दिए उसके बाद एक्स के जगह एक्स चक्कर के जगह एक्स ले लिया हाँ सीधे हम उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है डी बराबर डी डी तो दोनों सेम होगा ना जी डी बराबर डी होगा ना यही काम कर आज देखो वहाँ पे बाबू कितना चक्कर बड़का पहिया कितना चक्कर है जी 15 और गुना कितना परिधि होता है ना जी परिधि क्या होगा बड़का पहिया 2π सीधे हो जाएगा 22/7 50 और डी का मान कितना है 50 बराबर छोटका का व्यास कितना है 30 तो हो जाएगा पहले चक्कर एक्स अब 22/7 29 बाबू ई मामा मामा कर चले चले जाएगा 15 से 2 गया 2 से 25 है कि ना चक्कर कुछ नहीं है नुनू का खेल है सोच का जैसा सोचोगे वैसा बनते चले जाओगे ठीक है जैसा सोचोगे वैसा बनते चलाओगे अच्छा सोचोगे अच्छा बनोगे और खराब सोचोगे खराब बनोगे दिमाग काम नहीं करेगा शून्य हो जाएगा लगेगा जिंदगी में कुछ नहीं है ठीक है अच्छा सोचो तो बड़ा सोचो बड़ा बनो लोगों का भला कर दो किसी का बुराई नहीं करो हाँ किसी का टांग नहीं खींचो क्या पंकज हाँ सर जो खींचता है तो आगे नहीं जा पाता थोड़ा देर के लिए आगे बढ़ जाएगा लेकिन फिर वो वहीं का वहीं रह जाएगा बड़का बड़का सेलिब्रिटी भी धस जाता है ठीक है जैसे आमिर खान का हुआ नहीं रहा लाल सिंह चड्ढा चड्ढी निकल गया उसका बोलता है हम नहीं बोल रहे ठीक है जो कर्म याद रखना कर्मा फिर लौट के आता है उसमें गीता में सही बात ये बोला है कि कर्मा फिर लौट के आएगा समझे कि समझे अगर हम उतना मेहनत किए तभी हम इसका फल भोग पा रहे अगर नहीं पढ़े तो सोचो एक बोलता है अगर सबको इधर मुझसे बोलता है मेहनत की आज तुमको क्या फल मिला कुछ नहीं मिला नहीं आज तुमको पढ़ा तो पा रहे हैं ना तो कर्म याद रखना कर्म फिर लौट के आएगा फायदा होगा इसका फल मिलेगा तुमको इतना मेहनत की हो 2 साल ठीक है बस हिम्मत ना हारना तो क्या क्वेश्चन बोला जी 78 नंबर में क्या बोला जो तुम लोग से डर रहा है बोलता 3 वृत्त जिनकी जिनमें प्रत्येक त्रिज्या कितना है 3 सेंटीमीटर है इस प्रकार के प्रत्येक वृत्त अन्य दोनों वृत्तों को स्पर्श करता है परिपथ भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें क्या बोला 3 वृत्त जिनकी प्रत्येक त्रिज्या को इस प्रकार का प्रत्येक वृत्त अन्य दो वृत्तों को टच करता है ऐसे फिगर हमसे नहीं बन रहा है अरे हो गया टेढ़ा मेढ़ा ठीक है बाबू प्रत्येक त्रिज्या कितना दे दिया 3.5 ठीक है प्रत्येक त्रिज्या है 3.5 अब क्या क्वेश्चन बोला इन वृत्तों द्वारा परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल बाबू वही देख कर निकालना ठीक है इस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा तुम ही लोग बोलो बाबू ने दिख रहा है कि 7-7 सब हो जा रहा है समबाहु त्रिभुज बन रहा है इसका मतलब ये सब 60 डिग्री वाला है ठीक है सब 60 डिग्री वाला हो तो हम क्या करेंगे हाँ देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे ठीक है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल में तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है जी 3 गो है तो 3×60/360 और गुना 3.5 का स्क्वायर थीटा बटे 5r स्क्वायर 22/7 गुने आर का मान 3.5 का स्क्वायर घटा √3/4 गुना 3.5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर सॉल्व करने आता है क्या बाप रे पॉइंट में सब पॉइंट निकालना होगा करते रहना रूट का 1.73 ले लेना ठीक है सॉल्व करके बताइएगा कमेंट करके आप बताइएगा कितना इसका सॉल्व करने के बाद आएगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा सब सही है एकदम सब सही जा रहा है एकदम मजा आ रहा है एकदम जोश में हो अरे कुछ तो बोलो सर
हार देगा ऐसा नहीं बोलने बोले थे जी है? चलो तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या बोला कि किसी वृत्ताकार पार्क के चारों ओर सामान चढ़ा के पथ बना हुआ। देखो एक वृत्ताकार पार्क का चारों ओर एक बना हुआ पथ बना दिया, आंतरिक परिधि दे दिया और बाह्य परिधि दे दिया ना जी, तो होता है 2πr होता है ना सूत्र बाजी 2πr1 यानी एक बार लिख देते हैं 2πr1 माइनस 2πr2 दिया हुआ कितना 132 ना जी। तो भैया ए भैया तो कितना आ जाएगा 2×22/7 और r1 माइनस और यही निकालना है बड़का। देखो यहाँ से यहाँ ये r2 है ना r1 है और छोटका मान लिए r2 मान लिए तो r1 में घटा देंगे तो पथेला निकलेगा ये चौड़ाइया, इसको चौड़ाई कहते हैं। चौड़ाइया का मतलब हो गया r1 माइनस r2 निकालना ठीक है। तो बाबू 132 हो गया 22 6 2 × 3 अकेश हो जाएगा r1 माइनस r2 का मान चौड़ाई अकेश है बाबू। देख नेक्स्ट मार्क कर देना कोई दिक्कत है जल्दी बता दो भैया बता दो जरा जल्दी बता दो। और कल हम लाइव आएंगे वहां से सेंटर से देखना तुम लोग आएंगे लगभग 7 बजे अगर आने होगा आएंगे तो एग्जाम देने के बाद आएंगे ठीक है। एग्जाम देने के बाद दीजिए क्वेश्चन का व्यू भी 2-4 क्या बन गए सीधे लाइव है कि नहीं जी 81 नंबर देखे जी। अरे बोलो तो कोई बोलवे नहीं करता बोलता। एक वृत्ताकार मैदान के चारों वृत्ताकार सड़क है बाबू वृत्ताकार मैदान है उसके चारों वृत्ताकार सड़क ठीक है। बोलता जिसके अंदर के घेरे तो बोल रहे थे हम क्या जी कि यहाँ पे किसी वृत्ताकार मैदान उसी के मैदान में क्या है जी घेरा लगा हुआ है सर। तो फिर वही क्वेश्चन में बोलता है कि अंदर और बाहर के घेरों के लंबाई का अंतर कितना है जी। अंदर वाल लंबाइया घेरा दे दिया अंदर का लंबाइया और बाहर के घेराइया का अंतर कितना दे दिया है यानी वही दे दिया 2πr1 − 2πr2 का मान फिर दे दिया 88 क्या नहीं निकलेगा उसी तरह से छोड़ैया पूछ रहा है भाई r1 हो गया नुनु अरे r2 हो गया इसे और यही बड़का में अरे छोटका घटा देंगे यूला तो यार अब नहीं निकलेगा यूला। तो बाबू 2×22/7 और r1 माइनस 88 हो गया ना 22 44 × 14 निकले जाएगा छोड़ैया कितना निकलेगा कोई दिक्कत है उसी तरह था कि नहीं होगा। अरे कुछ नहीं अरे खेल है हाँ खेल है बाबू सिर्फ खेल है खेलो जितना खेलोगे पढ़ाई से उतने मजा आ जाएगा। और तुम्हें पिट्टो वाला वीडियो अभी तक बनाने में दिया कब डेट पार हो गया अभी तक राहुल ही बीमार पड़ गया अंत वो पिट्टो वाला वीडियो आ रहे हैं तब अभी बनाएंगे ठीक है सैटरडे को बनाएंगे सैटरडे और टेस्ट बात तुम लोग का रुका हुआ बाबू टेस्ट लेना पड़ेगा अब ठीक है सब मुझे सब बोलना होगा टेस्ट लेना पड़ेगा टेस्ट लेना पड़ेगा। 82 नंबर में क्या बोल रहा है जी एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या कितना है उसके अंदर की ओर कितना मीटर चौड़ाई है फूलों की क्यारी का चित्र बना रही है नुनु कुछ नहीं है जी। हाय देखो ये पहले वृत्ताकार पार्क का त्रिज्या कितना है 18 है तो बढ़िया उसके अंदर की ओर 3 मीटर चौड़ाई का अंदर वे में नुनु अंदर वहां में ठीक है अब 3 मीटर चौड़ाई है मतलब ये चौड़ैया कितना है यहाँ भी 3 होगा इसका मतलब ये कितना होगा 15 है ना। तो बोलता है फूलों की क्यारी का चित्रफल बाबू सूत्र बाजार में कर तो पाए बड़का इस पर घटा देंगे ये r1 था ना रे ये r2 होता है ना पाए r1 का स्क्वायर माइनस पाए r2 का स्क्वायर तो पाए का मान 22/7 r1 का स्क्वायर कितना 18 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर 22/7 18 में 15 गया 18 15 गया 18 15 जोड़ देंगे मतलब कितना 33 और पाए में रखना है पाए में
पाए तो 18 15 33 18 15 3 न जी पाए 99 पाए है कि नहीं ऑप्शन। इधर आओ इधर आओ इधर आओ तुम इधर क्या कर तो बाबू कोई दिक्कत है जल्दी बता दो। आप लोग को दिक्कत लग रहा है कमेंट करके मुझे बताइए ना, ठीक है हम बेहतर से एकदम बनाइए देंगे एकदम बेहतर। तो क्या चीज 83 नंबर बनेगा कि नहीं 83 नंबर बनेगा या नहीं बनेगा एकदम सिंपल ये है। बोलता दो संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्या कितना कितना है 15 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर तो तृतीय दोनों वृत्तों के बीच का भाग। ना जी समान केंद्र हुआ कि नहीं एक है 15 ए एक नुमा है इस तरह होगा या फिर इस तरह नहीं ना जो वो जो होता था पिच का रहता था कोई कुछ का इस तरह का इस तरह का समान केंद्र वाला पूछ रहा है समान केंद्र थोड़े हो पाएगा तो ये हो जाएगा कितना 13 और दूसरे का कितना है 15 तो बोलता है ए दोनों वृत्तों के बीच का भाग दोनों वृत्तों के बीच का भाग यही वाला होगा फिर उसी तरह निकालना बड़का में छोटका घटा दो तो पाए में है कि दूसरा में है पाए में नहीं है इस पर पाए छोटे 7 और बड़का इस पर यानी 15 का स्क्वायर माइनस पाए छोटे 7 15 और 13 कितना होता 28 15 13 का 2 7 चौका 28 22 चौका 28 कितना 100 समझ रहे हो ना बुझ रहे हो ना एकदम 84 नंबर भी एकदम आसान है एकदम बनाओ जल्दी एकदम सिंपल सिंपल है सब फुल टस से क्वेश्चन है जल्दी बनाओ। मजा आ रहा है हम हमेशा बोलते मजा आ रहा है देखिए पढ़ाई में जब तक नहीं आएगा मजा तब तक कैसे होगा सजा मजा। तो बाबू भैया आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा 84 नंबर में हमारा जो है एक वृत्ति अंगूठी का आंतरिक को बाह्य परिधि दे दिया चौड़ाई वही ऐसे है जी वही वही समझे कि नहीं तो निकालना है अगली बार फिर वही अंगूठी की चौड़ाई कितना है तो दे दिया है हमारा 22/7 गुने R2 कितना 22 2 पाई होता ना 22 ये खत्म ये खत्म आर टू कितना हो गया 7/2 और फिर 2 गुने 22/7 और R1 कितना 44 खत्म हो गया नुनू कटेगा ना दो बार में खत्म हो गया तो R1 बराबर कितना 7 तो R1 माइनस R2 ही तो चौड़ाई होता है 7 में 3.5 गया 3.5 बता कोई दम है ही सब्जी है कोई दम है कोई दम है नुनू तो 85 नंबर बनाओ ने को दम नहीं है तो सब तो इसी तरह बनेगा फटाफट ठीक जा रहे हो ना ठीक है बम बम निर्मल भैया राहुल भैया तो बाबू भैया हम लोग देखते हैं सीधे 85 नंबर बोलता है वही दे दिया है पाई R1 ना जी पाई R1 स्क्वायर दिया है 154 तो 22/7 लगा दो बोले R1 का स्क्वायर R2 छोटका है ना छोटका छोटा R2 लिए थे ठीक है तो बाबू कितना आ जाएगा 154 22/7 R1 का मान R2 का मान कितना 7 फिर उसी तरह कर देंगे ना 22/7 गुने R1 का स्क्वायर बराबर 616 22 से कटेगा 22 × 44 22 × 44 ना और कितना 22 × 176 ना कितना जी 22 × 5 कोई 2 पायर होता है ना जी सूत्र वाला कोई कुछ बोल हाँ सॉरी पायर इस पे होता है कितना कितना बोलो तो कोई 28 तो R1 बराबर कितना निकल जाएगा 14 हो जाएगा तो हाँ ठीक तो घटा दीजिए इसीलिए चौड़ाइया निकालना R1 माइनस 7
ऐसा रह रहा है। 86 भी उसी तरह से सब क्वेश्चन में गजब के क्वेश्चन है सब एकदम इजी है पूरा इजी जितना जल्दी बना सकते। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, और नहीं आ रहा तो हमेशा बोलते कमेंट करके बताइए, हमेशा ये वीडियो हमेशा रहेगा आपके लिए। ठीक है, हमारा अपना बनाया हुआ वीडियो है सारा, कोई इसमें स्ट्राइक मारेगा तो वो बेवकूफ है। तो बाबू हम लोग कितना नंबर बनाएंगे अब, 85 भी हो गया, 86 भी, तुम लोग आराम से उसी तरह बनाओगे। फिर बोला त्रिज्या का अंतर, अरे कुछ नहीं है जी, परिधि तो यही दिया है जी, परिधि का मतलब 2π r1 - 2π r2 का अंतर कितना हो जाएगा, 352 में 264 चल जाएगा ना जी, तो जाएगा 2 × 22/7 कॉमन ले लिया, तो r1 - r2 यही पूछ रहा था अंतर, 352 में 12 में 4 गया, 14 में 6 गया 8 ना जी, 44 दूना r1 - r2 कितना हो जाएगा भाई, 14 बराबर हो जाएगा, इंक भर देना जा सूरज। ठीक है, थोड़ा सा कितना बोलो आगे बढ़े, 87 नंबर जाए, 87 नंबर बोलता परिधि, अरे परिधि से 88 होता तो कितना आता, तुम ही लोग बताओ, 2 × 22/7 × r1 कितना हो गया, 88 तो कितना हो गया, r1 कितना हो गया 14, फिर कितना दे दिया 66, 2 × 22/7 उन्हें r1 कितना 66 मतलब r2 है, ये 2 से कटेगा 33, 11 × 22 दिया 33 ना जी, तो r2 का मान कितना हो गया 7/21/2, इसीलिए नुनु पाए r1 का स्क्वायर - r2 का स्क्वायर वाले का क्षेत्रफल है ये सूत्र। ठीक है, लिख लेना वाले का क्षेत्रफल, वाले का मतलब रिंग का क्षेत्रफल, ठीक है रिंग भी बोल, तो 22/7 हो जाएगा, और r1 का मतलब हो गया 14 का स्क्वायर - 10.5 बाबू 22/7 14 × 10 कितना होता है, 14 × 10 34.5 हो गया, और 14 में 10 गया 4.5 बचा, ये पॉइंट बाद दोनों गया 10, ये 10, 5 × 7 = 35, 5 × 2 = 10, 2 × 11 गया, 7 × 7 गया, 11×55 हाथ में 5, 11×44 = 49, 11×33 = 37, 379.5 है ना जी। ओ चौड़ाई सिर्फ बोल रहा था क्या जी, हाँ क्या बोल रहा था जी, चौड़ाई बीच का, तो ये दोनों वाले के बीच चौड़ाई सिर्फ पूछ रहा था, इतना कर्वो नहीं करना था जी, एकदम सिंपल था, 3.5 आंसर आता है, r1 - r2 पूछ रहा था, 14 - 21/2 तो 28 में किस गया 7/2 कितना होता, 3.5 तो बोला कोई नहीं जी, हाँ चौड़ाइया पूछ रहा है, तुम लोग बोला नहीं, खाली इतना खटवा दिया जी, तुम लोग को मन लगता है हैं, खटवाने में मन लगता है का, ओए कोई ने बोला तुम लोग खटवाने में मन लगता है, हमको चलो आगे बढ़े, बोलता है केस सेंटर भुजा वाले वर्ग के अंदर, बाबू भाई देखो भुजा वाले वर्ग के अंदर में ये वृत्त है ना जी, बाबू जो व्यास होता है ना वो भुजा होता है, ये आर ये आर। ठीक है, तो अकेश भुजा वाले वर्ग के अंदर में बड़ा से बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल, तो बाबू व्यास से हो गया कितना अकेश, तो आर कितना हो गया 21/2, इसीलिए क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 × 21/2 आर 21/2 7 × 3 कटेगा 2 × 11 कटेगा, तो बाबू गुना कर लेना आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना कैसे किए, ठीक है, जब भी वर्ग में रहेगा तो वर्ग का जो भुजा रहेगा वही वो व्यास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जी, बोलता किसी वृत्त की परिधि, परिधि मतलब क्या होता है जी, 2πr होता है, 2πr - त्रिज्या आर का अंतर कितना, 2 × r कॉमन ले लो, तो जाएगा 2 × 22/7 - 1
बराबर 37, तो 44 में 7 का वही आएगा 37 बटे 7, खत्म। आर का मान कितना 7, तो पूछ रहा है 2 आर, व्यास पूछ रहा है। कैसा रहा, सब ठीक है, लागे बढ़े। एक राशि वर्ग के आकार में, एक राशि वर्ग के आकार में एस वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल घेरती है, ठीक है। तो बाबू अगर भुजा को मान लेंगे, भुजा को मान लेंगे तो बता उसी राशि को वृत्त के आकार में रख दिया जाए, वृत्त के आकार में, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? अरे बाबू हम अभी बताए परिधि, और जब भी कोई चीज बनेगा तो यहाँ पे परिधि बराबर होगा। तो पहले क्षेत्रफल कितना है, ये ए अगर है तो ए स्क्वायर दे दिया कितना एस, तो ए बराबर रूट अंडर एस होगा ना, तो चार ए निकालना है, चार ए, तो चार रूट एस होगा हमारा निकल गया। और यही बराबर दे दिया कौन सी परिधि, यानी टू पाई आर, दो गुने 22 बटे 7 गुने आर बराबर 4 रूट अंडर। तो बाबू आर बराबर क्या हो जाएगा, काटे काटो 11, आर बराबर कितना होगा 7 रूट अंडर एस बटे, इसलिए पूछा कौन सी क्षेत्रफल, तो पाई पाई लगा दो दोनों तरफ, है ना, पाई आर स्क्वायर, पाई से लगा क्या पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान पाई रख, आर का मान है यह 7 रूट अंडर एस बटे 11 का स्क्वायर, तो जाएगा कटा कहा जी, कहीं गड़बड़ हुआ क्या, गड़बड़ हो गया जी कहीं, तो हो जाएगा कितना 49 बटे 121 पाई एस, ठीक है, कट जाएगा सर, ठीक है, कहीं लगता गड़बड़ हो गया, देखना फिर से, तो एस वर्ष में क्षेत्रफल घेरती है, रूट अंडर एस, देख लेना ये यही है, आप लोग भी कमेंट करके बताइए मुझे, ठीक है, तरीका तो यही है, देख लेना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 में क्या बोला जी, किसी आर अर्धव्यास के वृत्ताकार क्षेत्र के चारों ओर एच चौड़ाई के वृत्ताकार रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ए किसी आर अर्धव्यास के वृत्ताकार क्षेत्र में, ये आर है, ये अर्धव्यास का मतलब त्रिज्या, आर अर्धव्यास के वृत्ताकार क्षेत्र के चारों ओर, ए बाबू चारों ओर कितना चौड़ाई है, एच, एच चौड़ाई है, तो बोलता है चौड़ाई के वृत्ताकार रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका बोलता है ना जी। तो बाबू अभी सूत्रवा पढ़े थे ना, पाए बड़का स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस भलाई करते हैं, ठीक है, भलाई पूछ रहे हैं, तो हो जाएगा पाए का पाए हो जाएगा, पाए में आंसर है पाए, बड़कार का मतलब हो गया आर प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है जी, पाए, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस टू आर एच, माइनस आर स्क्वायर ये गया, तो हो जाएगा पाई पाई एच स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस टू पाई आर एच हो जाएगा, चौथा नंबर आयकर विभाग में पूछा 90 में, समझ पा रहे हो जी तुम लोग, ठीक है, चलो 93 नंबर बनाए हो, जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ, 93, 94, 95, 96 सब करना, 93 पहले हो जाए तो 94 जाएंगे ना, 93 में बोला है एक वर्ग जिसकी भुजाएं क्या है 2a है, एक वर्ग है जिसका भुजा 2a दे दिया है, अब क्या बोला, चारों कोनों को केंद्र मानकर, बाबू चारों कोनों को केंद्र माना, ठीक है, और उससे बना है सटा, चार वृत्त बनाई सटा,
सब ए ए माना, ठीक है, सब ए। अब क्या क्वेश्चन कह रहा है, दो जिनमें से दो वृत्त एक दूसरे से सटे हुए सटाए हुए बना दिए, चारों वृत्त से घिरे भाग का क्षेत्रफल, चारों वृत्त से घिरे, चारों वृत्त से घिरे भाग का लिया ना जी, यह पूछ रहा है। तो बाबू वर्ग क्षेत्रफल में क्या कर दोगे, वर्ग का क्षेत्रफल में घटा दोगे चार को, क्या है चार को, क्या है तुम्हारा, ये त्रिज्यखंड है, यानी हाँ सीधे 360 डिग्री या 90 चौका 360, चार गुने वृत्त का क्षेत्रफल, नहीं सॉरी वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया 2a का होल स्क्वायर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया पाई, पाई में क्या नहीं, 22/7 है, 22/7 और a है तुम्हारा, तो हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 22a² बटे 7 ना जी, तो हो जाएगा 6a² बटे 7। कोई दिक्कत कोई परेशानी, 94 लोग बोला बन गया, सच्चे बन गया, समझ रहे हो बात, समझ रहे हो कैसे कैसे की कर रहे हैं सब बम्मा निर्मल। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर बोलता है आर त्रिज्याले वृत्त था उसमें अंतर्निहित वर्ग, बाबू अभी बार वृत्त के अंदर में क्या है वर्ग, और वर्ग वाला में पता ही है जब वृत्त के अंदर होता है तो ये विकर्णमा इसका व्यास होता है, ठीक है, विकर्ण क्या होता है जी, वर्ग का जो विकर्ण होगा, वर्ग का विकर्ण जो होगा, वर्ग का विकर्ण क्या होता है रूट अंडर टू ए, और बराबर क्या होगा व्यास हो जाएगा, ये व्यास होता है व्यास। तो बाबू हमारा यहाँ पे त्रिज्या दे दिया है, त्रिज्या दे दिया है यानी रूट टू ए बराबर हो जाएगा टू आर, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल वृत्त का निकालना और वर्ग के क्षेत्रफल का अंतर हो जाएगा, तो ए बराबर क्या हो जाएगा रूट टू से कट जाएगा, ये रूट टू इंटू, तो वृत्त का क्षेत्रफल पहले क्या होता है जी पाई आर स्क्वायर, पाई छोटे 7 और आर स्क्वायर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा ए स्क्वायर होता है, तो रूट टू आर का होल स्क्वायर हो जाएगा 22 आर स्क्वायर बटे 7 माइनस 2 आर स्क्वायर, यानी हो जाएगा 7 में 14 14 में 8 गया ना जी 14 8 आर स्क्वायर बटे 7, क्लियर है बोलो जल्दी से, झूठो नहीं बोलना बाबू आप लगेगा एकदम मिटा दे। एक चीज लिखना होगा नेक्स्ट पॉइंट में, त्रिज्या को जितना गुना करेंगे त्रिज्या को गुना परिमाप भी उतना ही गुना, ठीक है, त्रिज्या को गुना तो इसका स्क्वायर में क्षेत्रफल गुना, ठीक है, जैसे अगर त्रिज्या को दो गुना करेंगे क्षेत्रफल में कितना गुना हो जाएगा चार गुना, ठीक है, कोई दिक्कत है क्या। तो यही क्वेश्चन आप पूछ रहा 96 नंबर में, बताए यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को तीन गुना कर दिया तो परिमाप मूल परिमाप से कितना गुना हो जाएगा, तो सीधे त्रिज्या के बराबर हो जाएगा, त्रिज्या का तीन गुना तो परिमाप भी तीन गुना हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलो तो 96 नंबर भी ऐसे ही हो गया, डायरेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ा। किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो नए वृत्त की परिधि और व्यास में क्या अनुपात होगा, अभी देख लेते हैं, ठीक है। तो बाबू पहले आर था, अब जो है त्रिज्या को क्या कर दिया गया आर कर दिया, तो बोलता है नए वृत्त की परिधि, नए वृत्त का परिधि होता है यानी परिधि क्या होता है टू पाई आर टू आर, ठीक है, परिधि हो गया, और नए वृत्त की परिधि और व्यास में क्या अनुपात होगा, व्यास बराबर क्या होता है यानी टू आर होता है, ठीक है, टू इंटू टू आर, तो बाबू ये तो खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, पाई अनुपात एक हो जाएगा, पाई से देखो, ठीक है। तो कोई दिक्कत, तो आज के सेशन में इतना ही, अगले सेशन में फिर बात करेंगे, खत्म कर देंगे, तो थैंक यू। ये तो सेशन को आगे बढ़ाते हैं, आज है चौथा सीरीज है, पांच वीडियो होगा ना, तो आज हम लोग बढ़ते हैं सीधे 98 नंबर से। बोलता है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर कम कर दी गई है, क्षेत्रफल में ह्रास होगा जी, ए 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी 100
और चार से में कम कर दिया तो कितना हो गया छह का सर कितना बच गया इतना कम ही कर दिया गया बताओ कोई दम था कोई दम था बताओ जल्दी सब सही है ठीक है जी ठीक है ना कोई दिक्कत नहीं देख लेते आंसर मिला के ठीक है 98 का 3 ठीक है अब आगे बढ़ते हैं बोलो जब किसी वृत्त का अर्धव्यास कितना बढ़ा दिया जाता है एक बढ़ा दिया जाता है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाता है बताओ तो बाबू मान लीजिए ना आर पहले से था ना जी पहले आर था अब आर प्लस वन हो गया ना जी तो पाई हो जाता है सूत्र क्या हो जाएगा जी पाई आर सॉरी आर प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर यही होगा बराबर कितना ज्यादा हो जाता है बताओ 22 कोई बोल दीजिए तब ना 22 तो यहाँ पे पाई कॉमन कर लेंगे यानी 22 बटे यहाँ पे अंदर वहां हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 2 आर और प्लस 1 माइनस आर स्क्वायर बराबर 22 ये खत्म हो जाएगा कि नहीं आर स्क्वायर खत्म हो जाएगा कि नहीं तो 2 आर प्लस 7 सॉरी प्लस 1 बराबर 7 आर बराबर कितना हो जाएगा 3 ठीक है कोई दिक्कत क्वेश्चन हम क्या पूछो तो क्या पूछा है क्वेश्चन तो छू देते आज बन जा रहा है उम्मीद करते हैं आप लोग पूरा वीडियो को देख रहे होंगे जो तैयारी कर रहे हैं ग्रुप डी रेलवे एनटीपीसी एसएससी सीजीएल जो भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं बस क्वेश्चन वही आता है जो आप पढ़ते हैं थोड़ा लेंथी आएगा थोड़ा सा इजी आएगा जैसे कि हमारा एनटीपीसी सॉरी ग्रुप डी में भी आया था एक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 वर्ष में दुगुना होता है 10 वर्ष में दुगुना होता है 16 गुना कितना वर्ष हो जाए 40 वर्ष में इस तरह क्वेश्चन आया था मेरा चक्रवृद्धि ब्याज ठीक है 900 डायरेक्ट निकालने आ गया ठीक है कोई दिक्कत है लोलू कोई दिक्कत है बता दो कोई दिक्कत ना है चलो बहुत बढ़िया एकदम अच्छा लग रहा है अब हम लोग 100 में पहुंच गए जी आज शतक हम लोग मार ही देंगे आज शतक मारते हैं तो बोलता है यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल का माप क्या है जी अरे ये तो 10th का हूबहू क्वेश्चन है जी परिमाप और क्षेत्रफल जब बराबर होता है सूत्र में जानते हो पाई स्क्वायर और 2 पाई आर ना जी जानते हो इसी देश का आंसर आता 2 आर बराबर 2 ही का है कि नहीं ये तो सीधे 10वां का क्लास का क्वेश्चन में है डायरेक्ट ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी है कोई दिक्कत परेशानी है नुनू खाली बोलो तो सब ठीक कर देंगे हम एकदम क्या दिक्कत है बोलो आगे बढ़ सकते हैं क्या चलो वृत्त की परिधि क्या होता है सूत्र जी क्षेत्रफल क्या होता है और अर्ध परिमाप क्या सूत्र होता है सीधे सीधे 36/7 आर भूल जाता है तुम लोग अब यदि किसी कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना है जी तो कमरे के चार दीवार का तुम बताओ जी कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल बराबर और गुणा ही अच्छा तो कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 × L + B गुना एच बराबर चारों दीवारों का क्षेत्रफल एरिया अब बोलता है यदि लंबाई चौड़ाई आपस में बराबर नुनू यानी 2 × L + L कितना हो जाएगा 2L और × H कितना दे दिया है नुनू एच कितना दे दिया 4 क्या दे दिया 4 बराबर कितना क्षेत्रफल दे दिया 128 तो 4 × 4 = 12 × 9 फिर 4 × 8 यानी L का मान कितना हो गया 8 B का भी मान कितना हो गया 8 क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 64 कोई दिक्कत है जल्दी बता दो मजा आ रहा है कि नहीं एकदम है सब सही है एकदम ठीक है एकदम ठीक तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग क्वेश्चन धमाका कर दो एकदम ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक कमरे की चौड़ाई उसकी ऊंचाई की आधी और उसकी लंबाई का 1.5 गुनी है जी चौड़ाई उसकी ऊंचाई का आधी बाबू चौड़ाई है मान लो b बराबर मान लो x
तो चौड़ाई हमारा ऊंचाई कितना हो जाएगा, ऊंचाई की आधी, तो ये हो जाएगा 2x। ए बोलो रे, और लंबाई का कितना है जी, लंबाई का 3/2 है ना जी, लंबाई का कितना है, लंबाई का 3/2 गुनी उसकी लंबाई है 3/2 गुनी है, मतलब 3/2x। ठीक है, अरे कुछ तो बोल दो जी, ठीक है ना, ठीक है ना। आप बोलता है ए, यदि कम उसके फर्श पर 3 रुपया प्रति वर्ग मीटर कितना खर्चा, क्षेत्रफल एरिया कितना हो गया, एरिया हो गया आप कमरे के चारों दीवार होने, दरी बिछवाने का खर्च कितना हो गया टोटल, 3% प्रति वर्ग मीटर से कितना है 144, 144/3 कितना हो गया जी, 3 कितना हो गया, 3×12 3×3 एरिया निकल गया, फर्श का क्षेत्रफल कितना हो गया जी? तो कमरे का ऊंचाई पूछ रहा है जी, पहले एल गुने बी कितना हो गया 48 ना जी, तो 3/2 और गुने एक्स बराबर 48, 3 से गया 16 फर्श का होता शायद बी गुने एच, फर्श का क्षेत्रफल बी गुने एच शायद होता है फर्श में शायद ना जी, कोई बोलो तो लंबाई चौड़ाई चौड़ाई फर्श से होता पक्का, तो क्या ना आ रहा है, तो इनमें से कोई नहीं आंसर आएगा इस तरह, रूट में आ रहा है जी 102 ठीक हो रहा था। इसका आंसर बता रहा 8 होना चाहिए, यदि उसके फर्श पर 3 रुपया प्रति वर्ग मीटर दरी बिछवाने का खर्च, फर्श पे दरी बिछवा रहे हैं एल एच, वही तो बोल रहे हैं उसको लंबाई गुने ऊंचाई दरी, ऐसा होता है क्या, देखे अच्छा 3 यानी हम लोग दरी का मतलब यहाँ पे सोच रहे हैं एल गुने एच, एल गुने एच कितना हो गया 48, एल का मान 3/2 एच का मान 2x, ये और ये गया मामा घर 48, 3 से गया 16 वर्ग, एक्स का मान कितना 4, तो ऊंचाइया का मान कितना 8 देखो आंसर। ठीक है, तो समझ में आ गया यहाँ पे दरी बिछवाने का मतलब, दरी का जो फर्श होगा वो क्या होगा एल गुने एच, कल ये वो सोच होता है कल कभी है गजबे होता है, सब बना लिया करो क्वेश्चन, ठीक है मिटा दें क्या, ऊपर मिटाते हैं धीरे धीरे उतारना। एक सौ 103 वाला तो तुम लोग जानते ही हो, बड़का क्षेत्रफल आयतन बटे छोटका आयतन, लेकिन उसमें भी कुछ एक और प्रॉब्लम किया है, लेकिन उसमें भी जो है क्या बोलता है 10% भाग भारे से भरा जाता है, ठीक है तो पहले कितना हो जाएगा 24 गुने 24, छोटका है ईंटवा का, बड़का कितना है जी 2400 × 800 × 60 है, और बटे 24 × 12 × 8, लेकिन इसका कितना भाग 10% 90% ठीक ठाक है इसका मतलब, इटवे तब ना इटवे इटवे ला भाग खाली है, ईट की संख्या तब ना निकलेगा बाबू 24 से 100 गया मामा 12 × 160 12×60 8×100 तो क्या 9×45,000 है ईटा 45,000 होगा, अरे होटल मैनेजमेंट में पूछता है बेरहम रूम में, अच्छा 103 होटल मैनेजमेंट में पूछा है, हैं तो होटल मैनेजमेंट का कोर्स नहीं करता है जी, कोई किया था नीरज, हैं नीरज कौन नीरज क्या किधर होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया, हाँ हैदराबाद एक साल काम करके आया जी, तो पिंटू चकिया है, ठीक है ठा है ना, बोलो ना कोई दिक्कत, अरे कुछ नहीं था, बोलता है एक ये वाला क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, एक कुएं का आंतरिक व्यास कितना कितना है, 8 मीटर, गहराई कितना
ये दसवां में हमें पढ़ाए थे ना जी कि कुआं ऐसा है, ठीक है, और कुआं ऐसा है और इसके चारों ओर क्या बनाया है, तटबंध है, ठीक है। तो बोलता है तीन में चौड़ाई तक बिछाई गई है, तटबंध का ऊंचाई पूछ रहा है जी, ना जी। तो नुनू सबसे पहले कुआं का आयतन क्या होगा, पाई बेलन है तो पाई आर स्क्वायर एच होगा, और वही मिट्टिया ने इधर फैलाया है तो ये जो आर होगा, देखिए आर होगा, ये चौड़ैया यहाँ पे इतना है, ये देख लीजिए ये प्रकार कितना हो जाएगा, यानी कितना चौड़ाई है जी, तीन, ठीक है, तीन मीटर चौड़ाई का तटबंध भी बनाया है, तो इसका मतलब छोटका आर हो गया आर और बड़का हो गया आर प्लस, ठीक है। हाँ सर, कोई तो बोल दो, यस सर, एगो तो आर दे गया ना, आठ से आठ का चार मीटर हो जाएगा, एगो आंतरिक व्यास दिया हुआ आठ मीटर, वो आंतरिक भी दिया था ना जी, और तो त्रिज्या चार हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा चार, यस सर। तो पहले इसका निकालिए कितना हो जाएगा, बाईस बटे सात, पाई में दिया है, बाईस बटे सात गुने चार का स्क्वायर, कितना, चार का स्क्वायर, चार का स्क्वायर, चार का स्क्वायर गुने चौदह, चौदह ऊंचाई चौदह बराबर पाए, पाए का मान कितना, बाईस बटे सात गुने बड़कार स्क्वायर कितना हो गया, चार तीन सात, सात का स्क्वायर माइनस चार का स्क्वायर, और गुने वही ऊंचाई बाबू, ये तो मामा घर चल जाएगा, आप कुछ बाबा घर क्या जाएगा कुछ, तीन का स्क्वायर नहीं होता, कौन वाला, सात का स्क्वायर माइनस चार का स्क्वायर, ए सात प्लस चार सात माइनस चार होगा, अरे तो सात चार कितना हो जाएगा, ग्यारह, सात में चार गया कितना होगा, यानी एच का मान हो जाएगा, कुछ कटेगा नहीं ना जी, चौदह ठे एक सौ बारह, तैतीस, तैतीस से कितना बार जाएगा, तैतीस चला एक को बना रहे हैं तटबंध की ऊंचाई की एक सौ चार का छ पॉइंट आठ, सॉरी भाई, तो चौदह गुने सोलह सोलह चौका चौसठ, और सोलह छपाई दो सौ बाईस चौबीस ना, तैतीस छका एक सौ अड़तीस, ज्यादा जल चल जाएगा ना, कहीं गड़बड़ हो गया क्या जी, सब तो हम लोग सही किए, आठ मीटर व्यास का चार लिए ना, ठीक है, गहराई भी चौदह ठीक है लिए, उसका मिटिया भी निकाल दिए हैं ना जी, थोड़ा यहाँ का तीन दयन दिया था, बड़का सात हो गया छोटका, तो बेलन में थोड़ी ना फैलाया, कोई भी चीज को तटबंध अगर फैलाएंगे तो बेलने में फैलेगा, गोल फैलेगा, गोल फैलाया ना उसे चार ओर बोला है तो बेलने में जाएगा ना, ठीक है, गुना भाग सही करो फिर से, बढ़िया से करते हैं, ठीक है, नहीं बढ़िया करो फिर से इसको लिखते हैं, ये पहले कितना था सच, व्यास कितना था, चार, आठ ना, चार हो गया ये, अब चौड़ैया से कितना है इधर, तीन, तीन, तो बड़का आर कितना हो गया, सात हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, छोटका आर कितना है, छोटका आर कितना है, छोटका सात चार है ना, ये छोटका आर चार है, बहुत बढ़िया, इसीलिए हमारा इधर हो गया बड़का जो निकलेगा इससे पाई आर स्क्वायर एच से निकलेगा, यानी सीधे पाई गुने चार का स्क्वायर गुने चौकदा, और उधर भी पाई हो जाएगा यानी सात का स्क्वायर और माइनस चार का स्क्वायर, ठीक है, तभी निकल पाएगा हम, और गुना कितना, पाई पाई कैंसिल, सोलह गुने चौसठ मतलब हो गया सोलह सौ चौसठ चार आ रहे सोलह सौ पाई दो सौ चौबीस ना, इधर सात का स्क्वायर मतलब हो गया कितना उनचास, सोलह में उनचास में सोलह गया तैतीस, ठीक है, तो एच कितना बार लगेगा, आठ बार में कितना आता है, सात बार तो लग ही जाएगा, एच बराबर तैतीस सत्य कितना, तीन सत्य इक्कीस, दो तीन सत्य दो तेईस, दो सौ इक्कीस, और ठीक है, तो आया छ पॉइंट आठ, हम बोले गलत था, ठीक है, तैतीस पच्चीस एक सौ पैतालीस, तैतीस पच्चीस एक सौ पैंसठ होता था जी, तैतीस छका दूसरे जब ज्यादा हो रहा था हम तो ध्यान है, ठीक है ना, कोई दिक्कत ना, उस तरह नहीं होता, जब भी फिर बोल रहा है मिट्टी फैलाएगा उस तरह,
बोलेगा कि अपने कि उसके चारों और किस तरह है। और इधर सीधे दसवां का डायरेक्ट क्वेश्चन है, बोला गुना भाग में गलती कर। ये वाला क्वेश्चन जो 105 वाला दिख रहा है, ये वाला भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता कभी। चार 105 नंबर वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या बोलता है, 500 मीटर गुना 30 मीटर माप के मैदान में 31 मीटर लंबा 20 मीटर चौड़ा 12 मीटर गहरा गड्ढा खोदा जाता है। देखिए यहाँ पे उस दिन तो हम बताए थे ये वाला, नहीं उस दिन ना बताए थे वो बोलो। ये 500 मीटर है, अरे 30 है, और बोले तो उसी के कितना कितना चौड़ा जी 30 मीटर लंबा ना जी, 30 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा, 20 मीटर चौड़ा 12 मीटर गहरा 30 20 12 और 12 ना जी। यस सर। और इस प्रकार खोदी गई मिट्टी के मतलब शेष भाग में बराबर बिछा रहता है। तो एक बार तो आप लोग को बोले थे कि कितना आयतन हो गया है बताइए, तो 30 गुने 12 गुने 20 यही ना हो गया, यही तो मिट्टिया आपका रहा। और उस दिन बताए थे कि बड़का 500 गुने 30 में घटा देंगे ई वाला क्षेत्रफल, यानी 30 गुने 20 और गुने जो ऊंचाइया में परिवर्तन होगा क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, इस तरह बताए थे आप लोग को। तो रहने दीजिए 30 गुने 12 गुने 20 और 500 गुने कितना होता है 15,000, 15,000 में 600 चला गया 14,400 गुने ये तो नुनमा दू को सुनना तो चले जाएगा जी, और 12 से 12 में चले जाएगा जी, 3×6×12 चल जाएगा जी। एच का मान 0.5 हो गया क्वेश्चन में, तो ये बनाते चलते जाते हैं ना तो हम लोग का बन जाता है। ये असिस्टेंट ग्रेड 1992 में पूछा, ठीक है 105 का चार बहुत बढ़िया है। एक दिन स्किल बताए थे इसलिए पर बन जाता है। इसी चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि नहीं, मिट्टिया का फैला देते हैं हम लोग बनाइए देते हैं है। क्या बम सब सही जा रहा है एकदम, हम लोग गप सड़ाका भी कर लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, नाश्ता पानी भी कर लेते हैं, सब बीच में कराएंगे ठीक है, पैसा तुम्हारा हो नाश्ता हमारा हो ना। इस बार सुना ली क्या है सूरज, इस बार बर्थडे का तुम्हें पार्टियन चल रहा है, सबका बर्थडे जाते रहा है। इस साल में तो बर्थडे का चलेगा, राजू का सबसे पहले जुलाई में था, मेरा कहाँ है कैसे नहीं, तुम बोला था जुलाई में, जुलाई का पार्टी तुम्हारा चल ले गया। हाँ जुलाई में पार्टी सर, काला बर्थडे तुम्हारा था जुलाई में ना सर, जुलाई में सब मतलब तुम्हारा बर्थडे था ना उसमें 24 फरवरी को मनाते हैं सर, आता अब 29 फरवरी कर दिया वो बर्थडे का कि तुमने मिला इसका अभी मुश्किल। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अरे एगो समचतुर्भुज से एगो क्वेश्चन आया, कल आया था क्वेश्चन डायरेक्ट, समझे कि ना, अभी कर दिया हुआ था और बोला समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए, तो सूत्र ये जानिए गया है सीधे सूत्र में आया था, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, सूत्र वो ने लिखे थे हम डायरेक्ट बना दिए, 1/2 d1 का मान 4 d2 का मान 6 ठीक है 12 डायरेक्ट एकदम, समझे कि 90 आंसर होगा, यही क्वेश्चन था उसमें 90 आंसर होगा, 36 होगा तो 36 ना तो दूसरा, एगो 18 होगा एगो 10 होगा सर, इसलिए 90 आ गया ना, लेकिन 90 आंसर आता शायद पता नहीं, लेकिन यही एकदम हु बहु आया था समझे कि नहीं, विकर्ण का माप दे दिया था समझे, दूसरा इसका क्या होगा सर, यही सूत्र है खाली बस, भुजा दे रहा है तो करेंगे फिर बाद में, गलत तो सबका बनाए हैं सर ठीक है। आगे बढ़े सर, तो आप लोग तुरंत ही बना दीजिए समझ परिमाप, देखो ये पूछा रहे आइए गया, तो समझ तो कुछ का परिमाप एगो सूत्र बताए थे ना जी, परिमाप दे रहे तो भुजा निकाल लेते हैं हम लोग। हाँ देखे समझ तो कुछ का फोन दे दो हमको जी, अरे ले लो किताब ले लो, तो समचतुर्भुज का हम लोग चित्र कैसे बनाते हैं ऐसे। अब समचतुर्भुज का ये ए है,
और विकर्ण जानवे करते हैं क्या होता है एक दूसरे को लम समाहित करता है। इस पर भी क्वेश्चन आया था कि कौन कथन सही नहीं है समुद्रभुज के बारे में, ठीक है। तो ये हो गया, ये ए हो जाता है, और ये जो ध्यान रखिएगा ये विकर्ण का काम करता है। कौन काम करता है? विकर्ण का काम करता है, ठीक है। जैसे हो गया बाबू परिमाप कितना चलिए बताइए, 40 तो भुजा कितना हो जाएगा 10। जब ये 10 होगा तो ऑटोमेटिक 6-8 वाला काम करेगा, तो वही वाला होगा। देख लीजिए क्या एगो दिया होगा 12 एगो 16 इस तरह दिया होगा 12-16 क्या दिया है 12 एगो दे दिया विकर्ण 12 तो ऑटोमेटिक ये 6 हो जाएगा। तो ये इसका मतलब 6 ये हो जाएगा ऑटोमेटिक 8 तो ये भी हो जाएगा 8। क्या क्वेश्चन पूछा जी दूसरा विकर्ण 16 आंसर बताओ जी, कोई दिक्कत लगा मुहे से बनाती है कि नहीं? नहीं, क्या बात करते हो? अभी हम बोले कि जब परिमाप दिया है तुम्हारा, परिमाप का मतलब 4 है और 4 दिया 40 तो ये कितना हो जाएगा 10 में होगा, ये 10 हो गया, ये 10 हुआ ना। तो ये समकोण है, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण करते हैं। हाँ सर, कर्ण की तरह काम किया है ना, तो ऑटोमेटिक 10 वाला कॉम्बिनेशन होता 6-8 वाला, तो 12 दे दिया तो ऑटोमेटिक आधा हो जाता है। निकाल के दिखाए सूत्र को बता दिए, बोलो तो सूत्र तुम्हें तो सूत्र बोलो तब तुम बोलो। अरे मनुमा सूत्र बता दिए थे तब ये लोग खा पी के बैठ गए। ये कहलाता है ए, ए स्क्वायर होगा ना, ए स्क्वायर बराबर रूट अंडर डी वन बटे टू का होल स्क्वायर और प्लस डी टू बाय टू का होल स्क्वायर। और इसको ठीक किए थे तो आ गया था, ठीक है बोला, इधर हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाता, तो ये हो जाता तुरंत, ये हो जाता स्क्वायर हो जाता, तो ए स्क्वायर यानी इधर दो दुना दो का स्क्वायर हो जाएगा 4 ये वाला ना जी। 4 ए स्क्वायर बराबर क्या लिखवाए थे, डी वन का स्क्वायर प्लस बैठाओ जी 64 तो 4 गुने 4 गुने 10 स्क्वायर 400 बराबर 12 का स्क्वायर यानी 644 प्लस डी टू का स्क्वायर कितना गया 256 होगा। डी टू का स्क्वायर डी का बराबर 16 हुआ डायरेक्ट। बम कैसे होगा, सब होगा कैसे नहीं होगा ये पहले बताओ ना, हैं सब होगा धीरे धीरे होगा, देखते देखते होगा। सूत्र याद रखो, हमें सूत्र वो बताते हैं। चलो जल्दी से फटाक बना दो 108 नंबर वाला दम, दूसरा विकर्ण निकलेगा ना दम, देखते ही आंसर वाला निकल जाएगा कि नहीं, इसका भूता निकलेगा कि नहीं, बोलो ना कितना आंसर, मुहे से बोलो ना जी, डायरेक्ट बोलो, अरे डायरेक्ट बोलो, कितना बकाता है लोग। तो दे दिया समझो का क्षेत्रफल जी 15 बराबर क्या होता है 1/2 पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण 5 3 15 डी टू 6 नहीं मुहा बोलता था, गजब की बात करता है। 108 जल्दी बोलो, अच्छा 109 जल्दी बोलो, 111 जल्दी बोलो, बोलो 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 कितना होगा, फिर हो जाएगा 150 बराबर कितना 1/2 पहला भी करना 10 दूसरा भी करना पूछ रहा है, तो बाबू कितना डी टू बराबर 30 आया है, बोलो जल्दी से फटाफट बोलो, जल्दी से फटाफट बोलो, लेट नहीं करो, हैं? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आप लोग जा रहे हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। 112 तो यूं देखते ही आंसर आ जाएगा जी, ये तुरंत जाएगा। विकर्ण 24 दे दिया ना जी, हाँ देखिए विकर्ण दे दिया ना 24, नूनू इस तरह दिया ना, ये 10 दे दिया तो ऑटोमेटिक 24 दे दिया, तो कितना दे दिया विकर्ण 24 है, 12 हो जाएगा सर, समझ करो जी विकर्ण 24 है तो ये 12 हो जाएगा, एगो 10 है और एगो 10 दे दिया ना जी, तो ऑटोमेटिक 5 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा नूनू। क्वेश्चन नंबर क्या पूछा रे, अरे 13 6 52 आंसर क्या जी, हाँ अरे एगो 10 विकर्ण एगो 12 दिया थी 12 12 ये 5 5 तब ना हुआ, सही जा रहे हैं, ठीक है। 114 बनेगा कि नहीं बनेगा देखते ही बन जाएगा, कैसे परिमाप हो जानते हो ना, 4 × 1 13 × 4 ठीक। 114 नंबर हम देखते ही आंसर, देखो
लंबाई में बढ़ोतरी किया चौड़ाई में, तो हम बता दिए थे कभी भी क्षेत्रफल वाला होगा तो 100 × 100 बराबर कितना बढ़ोतरी किया लंबाई में 30% 130 हो गया, चौड़ाई में कितना बढ़ोतरी किया 115% बढ़ोतरी किया, ये सुना गया ना जी, ये सुना गया 1000 बराबर कितना हो गया नुनु, कमी है सर चौड़ाई में 15% कमी था, 85 लिख दीजिए इसको, ठीक है 13×5 6 13×5 6 13×8 104 6 55% कम हुआ, ठीक है कितना वृद्धि हो गया 105 105 का वृद्धि हुआ, लेकिन ये ऑटोमेटिक है 100 पे जाना है, 1000 पे था ना 10.5% कोई दिक्कत नहीं, चलिए इसी बात पर आगे बढ़िए एकदम 109 नंबर जल्दी बनाइए एकदम, पहुंच गए खत्म कर देंगे एकदम दो घंटे का वीडियो बन चुका है ऊपर समझे, इतना लंबा वीडियो बाबू देखने लगेगा हालत खराब हो जाएगा सर, वीडियो बहुत लंबा लंबा भी बनाए हम अपने चैनल पे, भले यूट्यूब को रिकमेंड नहीं कर रहा वीडियो को क्या कहें, अभी मेरा चैनल भी सबसे सुपर फास्ट चैनल रहता है, अभी 10-10 सब्सक्राइबर एड़ा गेड़ा कम चैनल का हो गया, लेकिन हमारे चैनल में अभी 10,000 का मिलता है, क्या कहें यूट्यूब वाला हम लोग को रिकमेंड ही नहीं कर रहा है, क्या बात हो गया समझे में, चलो तो 110 बन गया 116 बना जी, अरे तो बोलो तो कुछ बोलो 109 बना रे 109 बना है एक समचतुर्भुज का जो भुजार विकर्ण का लंबाई कितना दे दिया, पहले भुजा बताइए 5 है ना जी, ए 5 वाला कॉम्बिनेशन क्या चलता है आप ही लोग बताइए, ये 5 ये 4 ये 3 होगा, ठीक है हाँ सर, एक विकर्ण दे दिया 8 इसलिए 4 हो जाएगा, हाँ ये 4 ये 4 तो ये 3 3 ठीक है हाँ, तो क्वेश्चन नंबर क्या पूछा बताइए, उसका क्षेत्रफल तो 1/2 8×6 24 कैसा रहा जल्दी बताइए, 109 नंबर पहले 115 खत्म कर दे फिर 109 आया है बताइए, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं सब ठीक कर देंगे हम लोग, ठीक है अब ये पूछ रहा था वो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये लिख लो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होगा 110 वाला में जो बनेगा वो होगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, सीधे यहाँ लिख लो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होगा आधार गुने ऊंचाई, ठीक है यही लंब बनेगा, तो बाबू हमारा आधार कितना दे दिया पहले देख लेता, परिमाप कितना है जी 40, आधार कितना हो गया 10 और गुने ऊंचाई कितना दे दिया 50 हो गया, कोई दिक्कत है ठीक है, आधार का मतलब भुजा, ठीक है यहाँ पे आधार का मतलब भुजा, क्लियर है चलो 116 बनेगा, सब स्तर मधीन नोट करके अच्छा से रखो, और हम लोग का ग्रुप डी में था गोला का आयतन क्या होगा 4/3 ब्याज दे दिया था 12 हाँ ब्याज दे दिया था 12 और गोला का आयतन पूछा था, ठीक है क्या सूत्र होगा गोला आयतन देखे तुरंत बना लोगे कि नहीं बना पाओ, अरे कुछ नहीं है बोलो ना कि कौन ग्रुप डी हो रेलवे का एनटीपीसी हो, अरे सब में आता है एमटीएस रहे एसएससी का सीजीएल रहे कौन हो एग्जाम रहे, इससे बाहर थोड़ा पूछता है जी, बना बना के क्वेश्चन पूछता था, तो तुम भी बनाना नहीं जानते हो, तू बना सकता तुम नहीं बना सकते हो, बोले हमारा बच्चा को खाली बोलता है स्पीड करो और वहां मारो ठीक ठाक, डरो नहीं रिजल्ट होना ही होना है, अब एक साल लोग 6 महीना में 4 महीना में निकाल देता है, तुम लोग तो 1-2 साल 1.5 साल से पढ़ रहा है, आगे 116 नंबर देखे 116 नंबर तो बन गया तुरंत ना जी, फिर दिया पहले 100 × 100 था, अब 50% कमी कर दिया 50 × 50 हो गया, 2 0 कट गया 100 बराबर कितना आ गया जी, कितना कमी हो गया बताओ जी 75% कमी हो गया, चलो 17 भी तो उसी तरह बना देना है कि नहीं, 14 ने बताया पहले 114 आएगा तब ना, कहाँ आएगा 114 नहीं आया क्या, और 114 तो छूट गया जी, मान लेना होमवर्क ना पड़ेगा, अच्छा बता देंगे 114 में क्या दिया था, क्या तुम क्वेश्चन पूछता है किसी वर्ग के लंबाई देखो पहले परिणामी आया तो वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात 140 हो गया नुनू, और चौड़ाई कितना कमी 40 कमी हो कमी तो 60 हो गया, और गुने 100 × 100 सुना गया रे
14 नंबर बता रहे हैं, 14 सुना गया तो कटेगा क्या? 14 84 बटे 4 से अकेश, अकेश नंबर 25 में है क्या? अरे होने कैसे तुम डरना ही नहीं है हमरे रहते, तुम डरे हुए बताओ, गार्जियन जो रहता कोई डरता है क्या? हाँ कोई डरने की बात नहीं है, कान्हा पर लेके तुम लोग चलेंगे, अरे समुद्र में ढेल देंगे तुम लोग। चलो आगे बढ़ो, 116 नंबर बना दिए, 117 नंबर तुम लोग बना पाओगे कि नहीं? उसी तरह का है कि नहीं? बोलता है 100% नंबर वृद्धि कर दिया, तो पहले 100 गुना 100 था जी, 100% वृद्धि मतलब 200 कर दिया, 200 गुना 200 नौ भले कटा दो ना, 100 बराबर हो गया 400, कितना वृद्धि होगी? 300% वृद्धि। क्या कोई दिक्कत है बताओ जल्दी से? हाँ आप रिवार 118 लग क्वेश्चन, 118 और 116 तो सेम है, तो सोचने नहीं है, अर्धव्यास लिख दिया अभी तो क्या डर जाएंगे हम लोग? त्रिज्या अर्धव्यास सेम होता है, ठीक है, क्या कमी कर दिया? 50 जल्दी से बता, कोई दिक्कत? और 120 नंबर लास्ट वाला क्या रहा जी? होमवर्क, ये लास्ट वाला क्या रहा? होमवर्क। 118 आंसर दिया, अरे गलत दे दिया, ठीक है तो परिधि था तो तुम लोग देखता क्या ना, जब बोले थे त्रिज्या रे तो परिधि भी सेम होगा, काव्य से बता दिया क्या, बार बार सुनाना पड़ेगा, इसका आंसर क्या होगा? 50% 118 का, ठीक है, क्षेत्रफल का हवा बोला था, तो जब व्यास और अर्धव्यास रहे या परिधि रहे तीनों सेम रहेगा, तो चलिए हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, मतलब आज का क्लास उम्मीद करते हैं जितना भी हम पढ़ाए 2 घंटे का क्लास चल गया ऊपर, तो आप लोग उम्मीद करते हैं बढ़िया से पेशेंस होकर देखे होंगे, तो इसी तरह के जबरदस्त वीडियो देखने के लिए विक्रम ट्यूटोरियल चैनल को फटाक सब्सक्राइब कर दीजिए, फैला दीजिए भारत में।